हाँ जी, यस प्लीज। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम करते हैं आगे, चैप्टर 8 को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, देखिए इसमें है परफॉर्मेंस प्रिज्म। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले केस स्टडी पढ़ लेते हैं तो ज्यादा आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, पहले आप पॉज कर लेना 2 मिनट के लिए, केस स्टडीज पढ़ लो, फिर उसको आगे समझाते हैं। ठीक है, चलिए मैं अभी पढ़ देता हूँ। देखिए क्या कहते हैं, गैलेक्सी लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कहते हैं इनके पास एक बैलेंस स्कोर कार्ड है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करता है, फाइनेंशियल और कस्टमर बिजनेस इनोवेशन इसको मेजर करता है। ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्कोर कस्टमर इन दोनों को मेजर करता है। ठीक बात है, कंपनी हैज पायनियर्ड इन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ गुड्स, दिस लीड टू इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, द शेयर प्राइस आर ट्रेडिंग एट द लाइफ, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इसको मैक्सिमाइज। ये शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है, एक्सट्रीमली प्लीज विद द अफेयर ऑफ कंपनी। जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो कंपनी के अफेयर पर निर्भर करती है ऑफ लेट। अब ध्यान से देखो, अभी तक कह रहा है कि बैलेंस स्कोर कार्ड हमने फॉलो किया जो कस्टमर और शेयर होल्डर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करता है, उनको सेटिस्फाई करता है। कंपनी हैज विटनेस हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, हम क्या फेस कर रहे हैं, एम्प्लॉय का आना जाना। दो, हालांकि द कंपनी हैज फॉर्मल एग्जिट इंटरव्यू प्रोसेस फॉर रिजाइनिंग एम्प्लॉइज, द इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम दोज इंटरव्यूज इज रियली कंसिडर्ड इन इंप्रूविंग एचआर प्रैक्टिस। हमने ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट है कि नए एम्प्लॉय आते रहेंगे, पर फिर भी ना सही नहीं रहता कि नए एम्प्लॉयज आए बार बार। वन ऑफ द कॉमन फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉय हु लेफ्ट द कंपनी वाज दैट देयर इज मच प्रेशर टू परफॉर्म एंड इंप्रूव कस्टमर सर्विस विदाउट एडिक्वेट सपोर्ट ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस। मतलब एम्प्लॉय जो छोड़ के जाते हैं, हम उसे पूछते हैं क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भैया एक तो आप काम ज्यादा उम्मीद करते हो और हमारे को रिसोर्सेज कम देते हो, आपके पास कोई सिस्टम भी नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, और प्रेशर आप ज्यादा रखते हो, तो भैया हम कहीं और काम कर लेंगे। ट्रक ड्राइवर, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाता है, वो भी स्ट्राइक पर जाते हैं लास्ट ईयर के लिए, लास्ट ईयर में, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें पैसे ज्यादा चाहिए, वर्किंग कंडीशन चाहिए। ये और ये ड्राइवर क्या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ठीक है, इसलिए इनको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये क्या चाहते हैं, परमानेंट, ताकि उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिले। और इन दोनों इश्यूज के बावजूद बोर्ड की मीटिंग में क्या डिसाइड किया, द डायरेक्टर्स वांटेड दैट दे हैड द राइट परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैकेनिज्म टू एड्रेस द इश्यूज। ठीक है, वो कहते हैं कि क्या कोई और परफॉर्मेंस मेजरमेंट है इस इशू को, मैकेनिज्म को चेक करने का। द कंपनी इज डूइंग ग्रेट फाइनेंशियली, फाइनेंशियल तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये भी तो इंश्योर होना चाहिए कि एम्प्लॉइज और अदर स्टेक होल्डर्स टेक केयर अपार्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। ठीक है, कि शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करें, पर बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी तो हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए। द बोर्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड दे हैव टू मच ऑफ डाटा एंड रिपोर्ट टू लुक ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज करंट मेजर इज डन ऑन मंथली बेसिस। करंट मेजर तो हम कर रहे हैं जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, मंथली बेसिस पर कर रहे हैं। अलाइनमेंट ऑफ सच रिपोर्ट टू द ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी मिसिंग, ओवरऑल स्ट्रेटेजी के लिए जो अलाइनमेंट होना चाहिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट वो मिसिंग है। अब कह रहा है कमेंट, रिकमेंड करो ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, अभी बैलेंस स्कोर कार्ड के अलावा कोई और ऑल्टरनेट मेजर है जो कंसिडर करे ऑल स्टेक होल्डर, जस्ट शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉय के अलावा। ठीक है, आप देखो ध्यान से, इसका आंसर हम कहते हैं परफॉर्मेंस प्रिज्म। ध्यान से समझ जाना, परफॉर्मेंस प्रिज्म इज एन ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर क्रिएटेड बाय एंडी एंड क्रिस एडम। ये क्या कह रहे थे, नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेटेड परफॉर्मेंस प्रिज्म है, जो कि बैलेंस स्कोर कार्ड का रिवाइज फॉर्मेट हो गया, क्योंकि बैलेंस स्कोर कार्ड में सिर्फ शेयर होल्डर्स कस्टमर को हम देखते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, इसमें ऑल स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखा जाता है। ऑल स्टेक होल्डर्स में क्या क्या आते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स आते हैं, कस्टमर आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, सोसाइटीज आती हैं, गवर्नमेंट आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तरह से होता है क्विड प्रो क्यू, यानी ये एक हाथ दे एक हाथ ले, तो ये एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसको हम 5 तरीके से, इसके 5 पहलू हैं, फेसेट क्या क्या है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हम उनसे क्या चाहते हैं, राइट, वो हमसे क्या चाहते हैं, उसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं, क्या हमने सोचा हुआ उनके लिए, और सोचने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम उनके स्ट्रेटेजी को एक्टिवेट करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, और उस प्रोसेस के लिए पैसा होना चाहिए। तो 5 चीजें हो गई, स्टेक होल्डर्स सेटिस्फेक्शन, स्टेक होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, और क्या मैंने सोचा है उनके लिए, राइट, स्ट्रेटेजीज, सोचने इससे काम नहीं चलेगा, मेरे पास प्रोसेस होना चाहिए उसके लिए, प्रोसेस। अब सोचने और करने से भी काम नहीं चलेगा, पैसा होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, यानी कैपेबिलिटीज। ओके, तो चलिए एक एक करके समझते हैं।
स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, मतलब स्टेक होल्डर्स में क्या क्या आता है, इन्वेस्टर आता है, कस्टमर आता है, एम्प्लॉयज आते हैं, स्टाफ आता है, सोसाइटी आती है, गवर्नमेंट. तो इन्वेस्टर क्या चाहता है, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कस्टमर क्या चाहता है, ऑन टाइम डिलीवरी और प्राइस कम, सस्ता टिकाऊ बढ़िया. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिया, ताकि एक बार ध्यान रहे, फिर आप अपने आप लिख सकते हो. कस्टमर क्या चाहता है, हाई क्वालिटी, सस्ता टिकाऊ बढ़िया. ठीक है, सप्लायर क्या चाहता है, कि जो गुड्स वो दे उसको अच्छे पैसे मिले, टाइम से पैसे मिले. ठीक है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसको टैक्स टाइम से मिलता है रिवेन्यू. सोसाइटी क्या चाहती है, कि भाई एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ना बढ़े. ठीक है, अच्छा इससे पहले आप ये लिख देना कि इसमें इशू क्या है, कि भाई गैलेक्सी लिमिटेड कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस सिस्टम है किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए और कस्टमर के लिए, बट दे हैव नो कंसर्न अबाउट अदर स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर, लाइक एम्प्लॉइज, लाइक गवर्नमेंट एंड सोसाइटी. ठीक है, और दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाइड देयर एम्प्लॉइज ट्रक ड्राइवर्स विच इंसिस्ट टू गिव ऑन टू प्रोवाइड ऑन द स्ट्राइक विच रिजल्ट्स हायर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो. तो ये एक इशू लिख देना. अब इसके लिए परफॉर्मेंस प्रिज्म एक बेटर अल्टरनेटिव है. ठीक है, क्विड प्रो के ऊपर. तो पहला आ गया स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, यानी वो हमसे क्या चाहते हैं. ठीक है, ये डिपेंड करता है उनकी पावर पर, उनके इन्फ्लुएंस पर, कि कितना उनकी इन्फ्लुएंस है, कितना उनकी पावर है. ठीक है, अब आता है कि हम उनसे क्या चाहते हैं. कस्टमर, मतलब हम उनसे क्या चाहते हैं, स्टेक होल्डर में क्या आएगा, कस्टमर और एम्प्लॉय. कस्टमर से हम क्या चाहते हैं, भाई वो भी हमें अच्छी रिटर्न दे, अच्छा प्रॉफिट दे, लॉयल्टी दे. ठीक है, बेटर. और एम्प्लॉय से हम क्या चाहते हैं, हम उनको बेटर पे दें, ट्रेनिंग दें हम उनको. पर हम उनसे क्या चाहते हैं, कि भाई काम मन लगा के करें, टाइम से ना करें, टर्नओवर रेशियो कम हो, यही तो होगा. बेटर वर्किंग कंडीशन, इफेक्टिवली काम करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं. क्लियर पॉइंट. तो यहां पर ये कहेंगे, इस केस को लिंक कर देंगे, गैलेक्सी लिमिटेड शुड एंश्योर ए सिस्टम सो एज टू प्रोवाइड हाई बेसिक पे एंड बेटर वर्किंग कंडीशन टू द ट्रक ड्राइवर. उनको एडहॉक सिस्टम पे ना रखकर उनको पेरोल पे रख दें हम, so that low turnover ratio will be achieved, so that better effectively and on time delivery will be achieved, ताकि ट्रक ड्राइवर डिले ना करे. क्लियर, क्विड प्रो क्यू रिलेशन के हिसाब से. अब इन दोनों के लिए हमें स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है पहले. वो स्ट्रेटेजी का मतलब हमें क्या क्या काम करने हैं, सोचो, ताकि ये उद्देश्य पूरा हो जाए. तो हमें आइडेंटिफाई करना है वो स्ट्रेटेजीज को, ताकि हम ये इंश्योर गारंटी हो कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर पाए और हमारी अपनी जरूरतें भी पूरी हो जाए. मतलब वी शुड डेवलप ए सिस्टम विच डिफाइन द स्ट्रेटेजीज टू एंश्योर दैट दीज टू ऑब्जेक्टिव आर मीट. क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे, कि हम शेयर होल्डर्स को, हम स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर पाए, स्टेक होल्डर्स हमें सेटिस्फाई कर पाए. इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनाओ. स्ट्रेटेजीज बनाने के बाद वो देखो कि काम कर रही है या नहीं कर रही है. प्रॉपर कम्युनिकेट करो हर एम्प्लॉइज को, हर और हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को. ठीक है, कम्युनिकेट करो, जैसे हायर पे दो, लोअर टर्नओवर रेशियो होगी. ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि भाई उनको अच्छी पेमेंट दो, उनको आप क्या दो, अच्छी वर्किंग कंडीशंस दो. और जो ट्रक ड्राइवर्स हैं यहां पर, मतलब इस केस के अंदर, उनको हम क्या करें, पेरोल पर रख ले हम, ताकि वो अच्छी लो टर्नओवर रहे और स्ट्राइक पर ना जाए. अब स्ट्रेटेजीज के बाद क्या आता है, प्रोसेस. यानी ये तो सोच लिया हमने, तो इसका मतलब क्या है, कि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो ये सपोर्ट करे स्ट्रेटेजीज को. यानी उसके लिए प्रोसेस होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड हो. तो स्ट्रेटेजीज, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजीज, वी शुड हैव ए एडुकेट प्रोसेस सिस्टम. ओके, और उस प्रोसेस के सब प्रोसेस होते हैं, और उन सब के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा दो. जैसे आपने कह तो दिया कि भाई एम्प्लॉयज रखो, बेटर पे रखो, तो ट्रांसपेरेंसी रखो, यानी कि एचआरडी डिपार्टमेंट रखो, जो हर एम्प्लॉयज को अपॉइंटमेंट करते समय ये डिफाइन कर दे कि भाई आपको हम इतना पेमेंट करेंगे, आपके ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, आपको हम पेरोल पे रखते हैं. यानी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम होना चाहिए. ओके, तो ये प्रोसेस हो गया. अब इसको एक्टिवेट करने के लिए रिसोर्स चाहिए, मतलब आपको रूम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास फंड्स होने चाहिए, तभी आप इनको कर पाओगे. क्लियर हो गया पार्ट भी. तो ये कहलाता है सारा परफॉर्मेंस प्रिज्म. तो अल्टीमेटली एक लाइन हम कहते हैं क्या, लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, कि द फेसेट ऑफ परफॉर्मेंस प्रिज्म आर इंटरलिंक्ड एंड मस्ट सपोर्ट ईच अदर. ये सारे इंटरलिंक्ड हैं और सपोर्ट करते हैं. कंपनी मस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, व्हाट दे वांट्स एंड द कंपनी वांट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर. पहले ये चाहेंगे, और फिर रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजीज आर आइडेंटिफाइड एंड द प्रोसेस टू अचीव these strategies followed by identify the capabilities to perform these process. clear part bhai, ye kehlata hai hamara performance prism. ho gaya clear bilkul. chaliye ab aage chalte hain.
हो गया। चलिए बेटा सेकंड पे चले। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्या कहना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पहले दो बातें समझनी है हमें, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है परफॉर्मेंस मेजरमेंट की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब चैलेंजेस क्या है। ओके, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है, पर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिनका पर्पस होता है समाज सेवा करना, टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज, चैरिटी करना होता है, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिट बेसिस पर काम करते हैं, जैसे आपके पास ये हो गई सपोज स्कूल, कॉलेजेस, ट्रस्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल्स, इनको हम क्या कहते हैं, एनजीओ, ठीक है। स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, क्लीनिंग अथॉरिटीज हो गई, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इनका पर्पस होता है सोसाइटी को अच्छा बनाना। ओके, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले हो गए। तो अब हम ये बात करते हैं जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने डिविडेंड को मेंबर में बांटते हैं, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करना उनका पर्पस होता है, उनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकते हो, आरओआई, ईवीए, रेजिडुअल इनकम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के द्वारा, ठीक है। बट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए एस्टेब्लिश होते हैं, जैसे स्कूल है टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द पुअर स्टूडेंट, टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू द नीडी स्टूडेंट्स, राइट। हॉस्पिटल्स हैं यानी फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू द पुअर पेशेंट्स, ठीक है। अब इनके पास क्या होते हैं, बेसिकली फंड्स आते हैं, तो जो कहां से आते हैं फंड्स, मेंबर से या जो डोनर होते हैं, तो हमें यह देखना जरूरी होता है कि जो फंड्स आ रहे हैं वो प्रॉपर, उनका कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, यानी फंड्स आर प्रॉपरली इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। इसके लिए देखना जरूरी है कि भाई क्या उनकी परफॉर्मेंस है, नहीं तो डोनर और जो मेंबर हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यानी मेंबर तो सब्सक्रिप्शन के तौर पर देते हैं जो मेंबर बन जाते हैं, ठीक है, और जो डोनर होते हैं वो कभी कभी देते हैं। तो उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए हमें ये देखना जरूरी होता है कि इनकी जो वर्किंग है वो सही हो रही है, यानी फंड्स कहीं फंड्स का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, द फंड्स आर इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड फॉर विच दे मीट, यानी जिस उद्देश्य के लिए वो संस्था बनी है फंड्स वही ढंग से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तभी डोनर और मेंबर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए हमें परफॉर्मेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसके अंदर वो हमें समझना है, क्लियर पार्ट बेटा। चलिए बेटा अब चैलेंजेस, मतलब हमें क्यों जरूरी है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, एक ही मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कह रहे हैं कि बेनिफिट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, बेनिफिट्स एक बार के लिए नहीं मिलता सर, इसको मेजर करना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो फंड्स हमें मिल रहे हैं, मतलब जो मेंबर हैं और जो डोनर हैं वो जो हमें पैसा दे रहे हैं सर, कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम उसको मेजर कर पाए, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, कई बार बहुत सारे उद्देश्य के लिए सोसाइटी बन जाती है, एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेनिफिट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, क्वांटिफाइड का मतलब मॉनेटरी टर्म में उसको एक्सप्रेस करना, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी के बेनिफिट को हम क्वांटिफाइड यानी लार्ज प्रॉफिट में, लार्ज पार्ट में हम इवेल्यूएट नहीं कर पाते, जैसे एनपीओ स्कूल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द पुअर चिल्ड्रन, ये क्वांटिफाइड होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजेबल है, ठीक है। जैसे भाई बेनिफिट डिराइव बाय द स्टूडेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, क्योंकि कितना बेनिफिट डिराइव करा ये कहना मुश्किल हो जाता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है मान लो जैसे हॉस्पिटल है, उसका पर्पस क्या है, बेटर एम्बुलेंस सर्विसेज, बेटर सर्विसेज टू द पेशेंट्स, बेटर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, तो ये कैसे कह पाओगे कि बेनिफिट ऑफ सेविंग ऑफ लाइफ ऑफ ए पेशेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फाइनेंशियल टर्म। भाई हॉस्पिटल उसका पर्पस क्या है कि अपने पेशेंट को अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट देना, तो अगर हमने किसी की जिंदगी बचाई है तो उसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। अब कई बार क्या होता है कि हम क्या देते हैं कि भाई यहाँ इस बीमारी की वजह से डेथ हुई है या इस वजह से डेथ हुई है तो हम इनको इतना पैसा दे देते हैं, बट वो पैसा देना उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, समझ गए बात को। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम सेव कर रहे हैं तो उसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे हेल्थ केयर है, उसका पर्पस है हेल्थ केयर सर्विस देना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, तो ये हम क्या कर सकते हैं, मतलब मॉनेटरी टर्म में हम कैलकुलेट इवेल्यूएट नहीं कर सकते। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पस क्या, प्रॉफिट कमाना, अमाउंट में आता है, रेवेन्यू अमाउंट में आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो में आती है, तो यहां पर हमारे लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्लियर पार्ट बेटा। बेनिफिट दैट मे अक्रू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब आप बताओगे जैसे हॉस्पिटल है,
अब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट आप लंबे समय तक उठा पाओगे। अब जैसे आईसीयू है, उसमें आपने कोई हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, तो आप ये थोड़ा कह पाओगे कि इसको नेक्स्ट ईयर में कितना बेनिफिट मिल जाएगा। इट कैन नॉट मेजर्ड रिलायबिलिटी, मतलब कब कितना बेनिफिट मिलेगा और कैसे मिलेगा, इट कैन नॉट मेजर्ड। ठीक है, वो तो बहुत समय बाद तक बेनिफिट देता रहेगा। अब जैसे हेल्थ केयर है, तो फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम WHO, तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म। क्लियर पार्ट बेटा? मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्या होता है? कुछ एनपीओ अपने फिक्स बजट में से खर्चे करते हैं, उनके पास रेवेन्यू नहीं आती है, अपने डोनर से रेवेन्यू नहीं आती है कई बार, तो उनके पास एक बजट हो जाता है कि जो हायर अथॉरिटीज होती हैं, जो फिक्स मेंबर होते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम एक बजट सैंक्शन कर देते हैं। तो उस खर्चों का असेसमेंट जरूरी होता है, ये एक चैलेंज हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये बेफालतू खर्चे करते हैं जस्ट टू मीट द टारगेट, जस्ट टू कि भाई सारा बजट खत्म कर दें। तो ऑर्गेनाइजेशन को रोकना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में रिजॉल्व टू द स्पेंडिंग, यानी जो फालतू के खर्चे होते हैं ना, उनको रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पे एक लगाम लगानी जरूरी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को एडिशनल फंड मिल जाते हैं जस्ट इसलिए कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, तो ये उनको मोटिवेट करता है अतिरिक्त खर्चे करने पर, तो ये सही नहीं है, ये हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, कई बार क्या होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बन जाती है, उनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है ये क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे हॉस्पिटल है, उसका मेन कई पर्पज हो जाता है, हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट देना पेशेंट को, डिलीवरी इनोवेटिव वे टू डिलीवर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, तो अब इसमें कौन कौन मतलब कितना से खिचड़ी बन जाती है, तो कौन सा किसको प्रायोरिटी देनी है, तो सर वो हमारे कई बार मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं नॉलेज ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो वाली बात हो जाती है। क्लियर पार्ट बेटा? चलिए फटाफट समझ लें एक बार रिवाइज। बेनिफिट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। अब जैसे प्रॉफिट कंपनी है, उसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना, वो हम अमाउंट में, ठीक है, रेवेन्यू अमाउंट में, रेशियो परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं उनके सर्विसेज को हम कई बार क्वांटिफाई नहीं कर पाते। जैसे स्कूल है, उसका पर्पस क्या है? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, तो सर ये कैसे पता लगेगा कि उनका जो बेनिफिट है बच्चों ने कितना डिराइव किया? अमाउंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, क्वांटिफाइड करना कई बार मुश्किल हो जाता है। अब जैसे हॉस्पिटल है, उसका पर्पस क्या है? कि अच्छी तरह से उनको फैसिलिटी देना अपने पेशेंट्स को, तो सर अगर बेनिफिट हम ले दे रहे हैं कि उनकी लाइफ बचा रहे हैं, कैन नॉट मेजर्ड। ठीक है, इसके तो ये तो अनमोल है बेसिकली ना, हम उसको कहीं पर भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये कहते हैं बेनिफिट में अक्रू ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सर कुछ ऐसे खर्चे हमारे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल आईसीयू का खर्चा कर रहे हो, तो ये कैसे कह पाओगे कि भाई अगले साल बेनिफिट मिल जाएगा आपको? तो ये बेनिफिट आपका रिलायबल नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता, इसका बेनिफिट तो लंबे समय तक मिलेगा, इट कैन नॉट मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कई बार सोसाइटी के फंड्स नहीं आते हैं हमारे पास, मतलब एक रेवेन्यू नेचर में नहीं आते हैं, रेगुलर बेसिस पर नहीं आते, तो फिक्स बजट मिल जाता है कि भाई ठीक है 2 लाख रुपए आपका इसमें खर्चे कर लो, तो सोसाइटी के जो एम्प्लॉइज होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो क्या करते हैं उस बजट को रैम्पेंट स्पेंडिंग मतलब बेफालतू में खर्च कर देते हैं, ताकि हमारा बजट पूरा हो जाए, हमने टारगेट को पूरा कर दिया है। तो ये चैलेंजेस होता है कि भाई आप इसको जस्टिफाई कैसे कर पाओगे। ठीक है, इतना आसान नहीं होता। तो इसका मतलब ये होगा कि कई बार जब वो ज्यादा पूरा टारगेट पूरा कर देते हैं तो बजट, तो ये एक तरह से उनको मोटिवेट मिलती है कि भाई और ज्यादा बेफालतू में खर्चे करो। ऑर्गेनाइजेशन कई बार मल्टीपर्पज होता है, जैसे हॉस्पिटल है तो उसका मल्टीपर्पज आपने बना दिया, हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट देना पेशेंट्स को, इनोवेटिव वे से डिलीवर करना ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स को। ठीक है, एक अलग से सुविधा करना कि हमने 25% पेशेंट अलग कर दिए, तो डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के लिए कई बार ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो उसमें ये प्रायोरिटी ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सी प्रायोरिटी के लिए वो संस्था बनी है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव, हम किसको कौन सी एक्टिविटी के को मेजर करें, क्योंकि कहीं पर हमारे लिए चैलेंज बन जाता है। दीज आर द चैलेंजेस इन एनपीओ। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए बेटा आगे चलते हैं, हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम मेजरमेंट करते हैं, तो इक्वली इंपॉर्टेंस है परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बता दिया? ताकि जो डोनर हैं, जो मेंबर हैं, उनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि भी आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, बेकार नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास है वैल्यू फॉर मनी। हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी इज ए फ्रेमवर्क सिस्टम जो कि हम यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें तीन फ्रेमवर्क हैं, तीन पार्ट्स हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस में क्या का मतलब क्या है कि भी क्या ऑर्गेनाइजेशन ने, जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या कोई संस्था है जो सफाई के लिए जिम्मेवार है, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया है या नहीं। तो पहले ये देखोगे भाई, आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हो ना कि हाउ वेल दे आर गोइंग टू परफॉर्म, वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखोगे इफेक्टिवनेस, मतलब जिस उद्देश्य के लिए बनी है, द पर्पस फॉर विच दे आर दे फुलफिल्ड, क्या उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा कर भी लिया है या नहीं। अगर उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा तो सर उनकी परफॉर्मेंस नील है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल की। ठीक है, इसमें दो पार्ट कर लेते हैं हम, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, KPI। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का मतलब गोल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया, कैसे पता लगेगा, दैट इज KPI। ठीक है, अब जैसे स्कूल है तो स्कूल का पर्पस क्या है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, राइट, ये तो है, टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एजुकेशन, किसको, जरूरतमंदों को, पुअर स्टूडेंट को। कैसे पता लगेगा कि भाई आप अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, तो भाग जाएंगे स्टूडेंट भाई। अगर आप स्कूल से शिक्षा आप ढंग से नहीं दे रहे, कभी टीचर आता है कभी नहीं आता, तो स्टूडेंट भी नहीं आएंगे ना फिर। अगर टीचर रेगुलर आएगा, इंटरेक्ट करेगा, अच्छा पढ़ाएगा, तो फिर स्टूडेंट भी रेगुलर आएंगे, उनका इंटरेस्ट बनेगा, उनका इंटरेक्शन बनेगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट, आप देख लो अटेंडेंस कि अगर उनके स्टूडेंट रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, यानी डेली अटेंडेंस पूरी है, जितना एनरोलमेंट है, ड्रॉप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो अपने उद्देश्य को कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि भाई 40 स्टूडेंट है, 38 हो गए, वो नहीं, तो लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर देखेंगे ओवरऑल, यानी कि एक क्लास में, कि 12th क्लास तक का स्कूल है वो, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे 12वीं तक पढ़ते हैं, इसका मतलब वो अपने उद्देश्य के लिए पूरा कर रहे हैं। पर कितने ऐसे हैं कि 12वीं तक पढ़ तो लिए पर वो खाली बैठे हैं बेरोजगार, तो कोई फायदा नहीं ना। यानी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ड्रॉप नहीं करा, पूरी एजुकेशन प्राप्त करी और अच्छी जॉब प्राप्त कर ली, और या फिर हायर एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो ये जज करेगा, ये इससे पता लगेगा कि वो स्कूल अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है, राइट, इसका मतलब वो सही है, आप उसमें पैसा लगा सकते हो। ठीक है, हॉस्पिटल है, क्या पर्पज है, कि अपने पेशेंट को सही ट्रीटमेंट करना, टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, प्रॉम्प्ट मेडिकल सर्विस, मतलब कोई इमरजेंसी में आ रहा है भाई, 4 घंटे हो गए कोई डॉक्टर देखने को नहीं आ रहा, तो ऐसे हॉस्पिटल का क्या फायदा, चैरिटेबल है पर फिर भी भाई, भले ही चैरिटेबल है बट फिर भी आप उनको कम से कम ट्रीटमेंट तो दो, जब आया पेशेंट तो, ये तो ना कहोगे कि चैरिटेबल है तो मरने के लिए छोड़ दोगे, तो उनको, या फिर डिले सर्विस दोगे। तो पर्पस क्या होना चाहिए, बेटर क्वालिटी ट्रीटमेंट और प्रॉम्प्ट सर्विसेज, ये तो मतलब है। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, अब चाहे स्टूडेंट हो या पेशेंट हो, कैसे पता लगेगा, ऑन टाइम डिलीवरी, क्वालिटी, उसी को एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि हॉस्पिटल अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, आपने ऑपरेशन कर दिया और फिर उसके बाद हर रोज वो पेशेंट आके कहता सर ये बीमारी है, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, दोबारा एडमिट कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब सही से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे ना, तो रीएडमिशन जितने कम होंगे इसका मतलब उतना ज्यादा हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो रीएडमिशन ऑफ पेशेंट, यानी एडमिशन नहीं, रीएडमिशन उन्हीं का, अगर दोबारा हो रहा है तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, कम हो रहा है तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब वेटिंग टाइम, वही तो आ गया प्रॉम्प्ट सर्विस, वेट कितना कर रहा है पेशेंट, राइट, अगर वेटिंग टाइम कम है तो इसका हम प्रॉम्प्ट सर्विसेज दे रहे हैं। ओके, अब ऐसे ही यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ पेशेंट आ गया। अब कोई अथॉरिटी हमने अपॉइंट कर दी कि भैया ये साफ सफाई के लिए, अब बीच है, समुद्र का किनारा है, हमने एक संस्था को अपॉइंट कर दिया कि भैया आपकी ड्यूटी है कि यहाँ पर साफ सफाई रखो, चैरिटेबल काम है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं देंगे हम आपको, तो मतलब एक संस्था बनाई हुई है जो साफ सफाई के लिए जिम्मेवारी लेती है, तो वो आउटसोर्स भी कर देते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर देते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, साफ सफाई रखना, बीच में पर्टिकुलर एक निश्चित जगह पर साफ सफाई रखना। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे पता लगेगा, तो सबसे पहले हमें कुछ देखना पड़ेगा कि जो कूड़ा है, लीटर है, गार्बेज है, उसको डिफाइन करो सर। अब ये नहीं है कि साफ सफाई भैया पूरी तरह क्लीन कर दो, कुछ समुद्र में कुछ छोटे मोटे पेड़ उगाते हैं तो वो नहीं साफ हो सकते हैं। ठीक है, मेन क्या क्या साफ हो सकता है, मेन क्या क्या साफ हो सकता है वो देखना आपको, कि सर सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल होती है वो एल्यूमिनियम केन होते हैं, खाली ग्लास बॉटल होते हैं, एनिमल ड्रॉपिंग, भाई जानवर आते हैं सही, उनके ड्रॉपिंग होती है, या जो खाना खाते हैं और फिर वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, सी वीड्स का मतलब समुद्र के छोटे मोटे पेड़ होते हैं वो साफ नहीं हो सकते, सिप्पियां होती हैं जैसे, तो ये हम उनको साफ नहीं कर सकते हैं, बट इनको साफ कर सकते हैं, तो ये देखना पड़ेगा।
ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। तो कैसे देखोगे आप कि भाई वहां पर फीडबैक लो, जो भी आते हैं वहां पर, जो भी आते हैं विजिटर्स उनसे फीडबैक लो, एक वहां पर एक बॉक्स लगा दो कि भाई आपका क्या फीडबैक है, कितनी सफाई रहती है, सरप्राइज विजिट कर दो और उनको बोलो कि मैसेज करके दे हमारे को, कंप्लेंट बॉक्स लगा दो। तो इस तरह से हम उनकी परफॉर्मेंस को मीजर कर सकते हैं कि क्या वो अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं। क्लियर बात बेटा? तो इफेक्टिवनेस में क्लियर हो गया। स्कूल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, कैसे पता लगेगा, कितने स्टूडेंट छोड़कर जा रहे हैं, बेटर आगे जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। हॉस्पिटल है अपने पेशेंट को सही तरह से ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे पता लगेगा, बार बार आ रहे हैं तो सही नहीं है, री एडमिशन कम होना चाहिए, वेटिंग टाइम कम होना चाहिए, ठीक है। सफाई के लिए अगर हमने किसी को अपॉइंट करा है तो देखना पड़ेगा जो एल्युमिनियम केन है वहां पर डस्टबिन है वहां सही रखा है नहीं रखा, ठीक है। एल्युमिनियम केन है, फूड रिफ्यूजल्स है, जो मतलब फूड वेस्ट जो बच जाता है वो तो नहीं पड़ा हुआ वहां पर, ठीक है। और जो एनिमल ड्रॉपिंग है वो नहीं होनी चाहिए, बट सी वीड्स जो होते हैं उनको हम साफ नहीं कर सकते, पता कैसे चलेगा। बेसिकली हम वहां पर एक कंप्लेंट बॉक्स लगा सकते हैं, सजेशन बॉक्स लगा सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं विजिटर से, उनको कह सकते हैं कि मैसेज करो, सरप्राइज विजिट कर सकते हैं हम। तो दीज आर द परफॉर्मिंग मेजर टू इवेल्युएट हाउ इफेक्टिवली दे परफॉर्म, मतलब क्या अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं, एक चेकलिस्ट बन जाएगी, ठीक है। चलिए सेकेंड पर आते हैं, एफिशिएंसी। हाँ जी, एफिशिएंसी सेकंड आता है। अगर नॉर्मल बात करें तो क्या कहना चाहते हैं कि भी इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। वेदर रिसोर्सेज एंड फंड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली, अब भाई कॉन्फिडेंस जब आप डेवलप कराओगे, उनको विश्वास दिलाओगे, तो ये भी कहोगे ना कि आपके रिसोर्सेज मतलब प्लांट बिल्डिंग जो हमारे पास है नहीं, उनको बेकार नहीं जाने दे रहे, जो पैसा है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इफेक्टिवली कैसे कह पाओगे, तो नॉर्मली मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, इसका पर्पज क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स यानी टाइम मटेरियल एक यूनिट को बनाने में कितना, ये तो नॉर्मल है, इसे इसे ही ध्यान रखने का तरीका है, ये लिखना नहीं है यहाँ पर हमारे को, सिर्फ ये तो एक लिंक करने वाली बात है, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करेंगे तो स्कूल्स है तो हम क्या कहेंगे, मतलब एफिशिएंट कैसे कहेंगे, स्कूल्स आर एफिशिएंट, मतलब आप कैसे कहोगे आप यू आर एफिशिएंट, काम अच्छे से कर रहे हो, यानी जो काम 10 घंटे में होना चाहिए वो मैं 8 घंटे में कर रहा हूं, ऐसे तो कहते हैं ना। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या कहोगे, कितने स्टूडेंट टीचर ट्रेन कर रहा है 1 घंटे में, तो यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टीचर्स, यानी टीचर स्टूडेंट रेशियो। अब प्रोडक्शन में तो क्या होता था कि जितना टाइम कम लगाए उतना बेहतर है, यहां थोड़ा सा डिफरेंट कहेंगे कि भैया एक टीचर जितने स्टूडेंट को टीच कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को टीच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर सर्विस रिवर्स हो जाएगी, तो लो टीचर सॉरी लो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो बेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ टीचर डिवाइड करके क्या आ जाएगा, रेशियो, तो लो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो शुड बी क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, ये हमारा पैमाना होगा, मेजरमेंट होगा, ठीक है। ऐसे हॉस्पिटल में कहें कि डॉक्टर्स कितने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, नहीं भाई जैसे कहते नहीं भाई कोर्ट में कहते हैं कि भाई इतने जज हैं और इतने केस हैं, तो ये थोड़ा कहोगे वहां पर कि भाई एक जज कितने ज्यादा केसेस के अंदर, वो हो ही नहीं पाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी उसकी। तो वहां यहां पर भी वही बात है, हॉस्पिटल कि एक डॉक्टर कितने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो ये लो होना चाहिए, ज्यादा पेशेंट को ट्रीट करेगा ना तो उसकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में डाउन हो जाएगी। तो नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर कितने हैं, ठीक है, तो क्या जाएगा डिवाइड करके, यानी नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड बाय पर डॉक्टर, लो बेटर है, यानी वेटिंग टाइम भी कह सकते हैं, तो ये वेटिंग टाइम वहां भी आया था यहां भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लीनिंग अथॉरिटी में क्या कहोगे, क्लीनिंग अथॉरिटी का खर्चा कितना आएगा पर ट्रैक्टर पर किलोमीटर, राइट, पर ट्रैक्टर पर व्हीकल या पर किलोमीटर, तो कितना खर्चा है, कॉस्ट ऑफ रनिंग द व्हीकल्स और ट्रैक्टर, नंबर ऑफ ट्रैक्टर से डिवाइड कर दो या नंबर ऑफ किलोमीटर से, तो जितना खर्चा हमारा कम आएगा या ये उतना बेटर है, लो इज बेटर, ये लो इज बेटर, ठीक है भाई। तो इफेक्टिव एफिशिएंसी समझ में आ गई, प्रोडक्टिविटी यानी स्कूल्स में स्टूडेंट टीचर रेशियो कम होनी चाहिए, हॉस्पिटल में पेशेंट डॉक्टर स्टाफ रेशियो कम होनी चाहिए, तभी इससे भी कह सकते हैं कि वेटिंग टाइम कम होगा, ओके। क्लीनिंग अथॉरिटी में कह सकते हैं खर्चा पर किलोमीटर कम होना चाहिए, ओके। चलिए इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिकल, सस्ता टिकाऊ बढ़िया, ठीक है, मतलब डिजायर्ड आउटपुट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द लोएस्ट कॉस्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी, ठीक है, ये कहना चाहते हैं, मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना हो, कम पैसा लगे और आउटपुट ज्यादा आ जाए। अब जैसे स्कूल है तो
कितना खर्चा कर रहे हो आप, टीचर्स को कितने पैसे दे रहे हो, स्टाफ को कितने पैसे दे रहे हो, प्रिंसिपल को कितने पैसे दे रहे हो, और स्कूल के मेंटेनेंस पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो। सर ये कैसे जज होगा भाई, बजट से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड से कंपेयर करो ना। अगर आपका एक्चुअल खर्चा स्टैंडर्ड से कम है तो आप इकोनॉमिकली काम कर रहे हो, अगर आपका खर्चा बजट स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो अनइकोनॉमिकल हो, तो आप उसको रिव्यू करोगे, यानी सैंक्शन अमाउंट। ठीक है, दूसरे स्कूल से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स है तो कितना खर्चा कर रहे हैं मेंटेनेंस पर, डॉक्टर्स पर, स्टाफ की सैलरी पर, राइट भी? तो ये सेम कंपेयर विद द बजट और अदर हॉस्पिटल्स, बेंचमार्क बनाकर। क्लीनिंग अथॉरिटी है, कितना खर्चा कर रहे हैं हम, कंपिटेटिव टेंडर प्रोसेस देखो, फॉलो करो, उसको रिव्यू करो, यानी क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, कम से कम पैसा लगाकर क्वालिटी सर्विस ले रहे हैं हम। ठीक है, कैसे, कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा दे रहे हो, ठीक है, डस्टबिन से जो सफाई हो रही है उस पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, मटेरियल लेबर पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कंपेयर किससे करोगे, सेम बजट से, स्टैंडर्ड से, या दूसरे जो दूसरे टाउन में क्लीनिंग अथॉरिटी है उससे। अगर ज्यादा है एक्चुअल तो इसका मतलब अनइकोनॉमिकल है, और कम है तो इसका मतलब इकोनॉमिकल है। क्लियर हो गया पार्ट बेटा, फटाफट रिवाइज कर दीजिए। इसमें ना अब आपको क्या फायदा होगा ऐसे समझने से, कि एक बार जितने भी केस स्टडीज आएंगे, स्कूल से रिलेटेड केस स्टडीज आएगी तो ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड केस स्टडीज आएगी, हेल्थ केयर से आएगी तो ये वाले पॉइंट लिखने हैं, क्लीनिंग अथॉरिटी से रिलेटेड आएगी तो ये वाले पॉइंट लिखने हैं। क्लियर पार्ट, एक बार फटाफट देख ले। वैल्यू फॉर मनी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो परफॉर्मेंस मेजर करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। तीन पार्ट आते हैं, 3E कहते हैं इसको, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हमने अपने उद्देश्यों को पूरा कर लिया है जिसके लिए बने हैं, अगर हम उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाने तो वी आर नॉट इफेक्टिव। स्कूल है तो क्या कहोगे आप, इट बी बेटर एजुकेशन देना गरीब और इच्छित स्टूडेंट्स को। कैसे कहोगे, कितने बच्चे छोड़कर जा रहे हैं, कितने बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं बाद में, कितने बच्चे जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, आगे फर्दर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, ये पता लग जाएगा। कि अगर ज्यादा बच्चे छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स में बेटर क्वालिटी ट्रीटमेंट देना पेशेंट को, प्रॉम्प्ट मेडिकल सर्विस, वेटिंग टाइम कम होना चाहिए। आप अच्छी सर्विस दे रहे हो तो बार बार एडमिशन नहीं आएगा ना पेशेंट, फिर घर बैठेगा, तो री एडमिशन से पता लग जाएगा, जितना लो होगा उतना बेटर होगा। क्लीनिंग और सेटिस्फेक्शन होगा, क्लीनिंग अथॉरिटीज, अगर हम कोई सफाई के लिए अथॉरिटीज को अपॉइंट कर रहे हैं तो सफाई का स्टैंडर्ड बढ़े। ठीक है, कैसे, यहां पर थोड़ा सा ये आता है कि जो लिटर है, गार्बेज है, यानी कूड़ा है, उसको डिफाइन करना जरूरी है, यानी हर एक पेपर साफ नहीं हो सकता, क्या क्या मेन मेन साफ हो सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, एल्यूमिनियम कैन है, ग्लास बॉटल्स हैं, और एनिमल ड्रॉपिंग्स हैं, फूड रिफ्यूजल्स हैं, ये आप सफाई कर सकते हो। सी वुड, यानी जो समुद्र में छोटे मोटे पेड़ या सिप्पियां आ जाती हैं उनको हम साफ नहीं करेंगे, वो सफाई में नहीं आना चाहिए। ठीक है, कैसे पता लगेगा, फीडबैक ले लो वहां पे विजिटर से, सजेशन बॉक्स लगा लो, कंप्लेंट देख लो और मैसेज करवा लो या सरप्राइज विजिट ले लो। ठीक है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कि रिसोर्स कितने आपके एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, स्कूल्स है, यानी टीचर्स रेशियो, मतलब जैसे प्रोडक्टिविटी में हम क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, तो वहां तो कम से कम टाइम लगे, पर स्कूल में क्या कहेंगे कि एक टीचर पर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये लो होनी चाहिए। हॉस्पिटल में क्या कहेंगे, एक डॉक्टर पर कितने पेशेंट्स हैं, लो होनी चाहिए। सर क्यों, अरे भाई एक टीचर पर ज्यादा अगर स्टूडेंट होंगे तो वो नहीं ध्यान दे पाएगा, उनकी प्रॉब्लम भी नहीं सुन पाएगा, इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर एक डॉक्टर पर बहुत ज्यादा पेशेंट होंगे तो वो उनको अच्छी तरह से एफिशिएंटली उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज ही नहीं कर पाएगा। एक पेशेंट से उसकी बीमारी को समझना, फिर उसको मेडिसिन समझाना, तो उसमें टाइम लगता है, तो ये लो होना चाहिए। क्लियर पार्ट, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइड करके। ऐसी क्लीनिंग अथॉरिटी में खर्चा पर किलोमीटर हमारा कम आना चाहिए, तो हम कहेंगे वो इफेक्टिवली काम कर, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकली सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया। ठीक है, क्या है, डिजायर्ड आउटपुट कैन बी अचीव विद द लोएस्ट कॉस्ट, कम पैसा लगे और अच्छा परिणाम आए। ठीक है, स्कूल्स है तो कितना अमाउंट खर्च कर रहे हो आप मेंटेनेंस पर, टीचर्स की सैलरी पर, स्टाफ की सैलरी पर, प्रिंसिपल की सैलरी पर, इट शुड बी कंपेयर विद द बजट सैंक्शन अमाउंट। अगर आपका एक्चुअल खर्चा बजट से कम है तो इकोनॉमिकल है, ज्यादा है तो अनइकोनॉमिकल है, तो उसको रिव्यू करो। हॉस्पिटल है, कितना डॉक्टर्स को पैसा दे रहे हो, स्टाफ को पैसा दे रहे हो, मेंटेनेंस पर पैसा खर्च कर रहे हो, इट शुड बी कंपेयर विद द बजट, या दूसरे हॉस्पिटल से कंपेयर करो बेंचमार्क बनाकर। कम होना चाहिए तभी इकोनॉमिकल कहलाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स खर्चा, यानी कॉम्पिटिटिव टेंडर प्रोसेस देखो, टेंडरिंग प्रोसेस समझते हो ना, कि हमने 10 क्लीनिंग अथॉरिटी से बात करी नहीं करी है, मतलब हम जब परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे अथॉरिटी का तो देखेंगे ना कि हमने उस संस्था ने क्लीन जो आउटसोर्स किया है, ऐसे नहीं ना कि बस बुलाया और दे दिया था अधिकार, नहीं, आपने कम से कम कोटेशन इनवाइट करी है या नहीं करी है। ठीक है,
क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको कम से कम पैसे में मिल रही है नहीं मिल रही है, तो ये कैसे पता लगेगा? आप कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा दे रहे हो, वहां पे साफ सफाई के लिए मटेरियल लेबर को कितना खर्चा कर रहे हो, डस्टबिन की सफाई पर कितना खर्चा कर रहे हो, कंपेयर विद द बजट एंड सैंक्शन अमाउंट। ज्यादा है तो अनइकोनॉमिकल, कम है तो इकोनॉमिकल। दीज आर द वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। क्लियर बेटा? तो ये केस स्टडी से लिंक करके अब हम आगे करते हैं। ये आपका नॉर्मल पैरामीटर मैंने आपको समझा दिया। क्लियर पार्ट? चलिए बेटा, अभी हमने देखो ध्यान से, तीन वैल्यू फॉर मनी में तीन एग्जांपल लिए, स्कूल का, हॉस्पिटल का और एक क्लीनिंग का। ठीक है, तो तीनों के केस स्टडीज भी कर लेते हैं कोरिलेटेड करके। ओके, फटाफट देखिए जल्दी से। तो फर्स्ट हम कहते हैं चैरिटेबल स्कूल, बिल्कुल सिंपल है, जो हमने आपको सीएसआर बताए और केपीआई बताए, मतलब जिसके लिए मतलब ऑब्जेक्टिव, और कैसे पता लगेगा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। तो थ्री ईज बताए हमने आपको, है ना, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसको कोरिलेट करना है आपको किससे, केस स्टडी से। ठीक है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी। तो सबसे पहली बात आती है स्कूल की, एक फटाफट ले लेते हैं केस स्टडी। ये कहता है देखो, केस स्टडी नंबर 5, ठीक है, पेज नंबर है 31 पे। ये कहता है लेट अस कंसीडर ए केस ऑफ स्कूल व्हिच प्रोवाइड्स द फ्री एजुकेशन। ओके, मतलब हमारे पास एक स्कूल है जो क्या कहता है, फ्री एजुकेशन दे रहा है। ओके, टू चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम बीपीएल, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, ये गलत है, पॉवर्टी लाइन है फैमिलीज। द स्कूल ऑल्सो प्रोवाइड फ्री लंच टू द स्टूडेंट टू एनकरेज डेली अटेंडेंस। भाई डेली आए तो हम उनको खाने पीने की सुविधा भी देते हैं। तो मेन पर्पज क्या है, स्कूल जिसका पर्पज है फ्री एजुकेशन देना। इवेल्युएट द फ्रेमवर्क टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल। ओके, अब हमें क्या करना है, मेजर करना है स्कूल की परफॉर्मेंस को। ओके, तो स्कूल क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो अगर हम वही तीनों पॉइंट देखें, अगर हम ध्यान से, तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम उसी पर आ जाते हैं, स्कूल के लिए हमने क्या कहा था, देखिए फर्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्टिवनेस, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इफेक्टिवनेस। अगर हम देखें, देखिए स्कूल में सबसे पहले हम क्या कहेंगे, द स्कूल इज ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव द कॉन्फिडेंस ऑफ द डोनर एंड मेंबर, वी शुड मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल। फॉर दिस पर्पज वी हैव ए फ्रेमवर्क दैट इज कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी, मतलब जो पैसे दे रहे हैं उसकी कीमत हमें देनी है, तभी उनका कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर दिस पर्पज वी हैव थ्री, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। तो फर्स्ट आता है देखो एफिशिएंसी, इसमें क्या लिखना है स्कूल, हाँ जी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, CSF यानी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सिंपल था, टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एजुकेशन टू द पुअर स्टूडेंट, ये हमें ऑब्जेक्टिव लिखना है। ओके, अब इसमें क्या कहना है हमें, हाउ वी मेजर, हमें कैसे पता लगेगा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे उसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, राइट, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ जाते हैं, राइट, दैट शुड बी लो, ये आप लिखोगे इसके अंदर कि हमारा कम होना चाहिए। ओके, कि जितने स्टूडेंट हमारे छोड़ के जाते हैं वो हमारे कम होने चाहिए। क्लियर बात भाई? अब आते हैं आगे दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे छोड़ के जो जा रहे हैं वो कम होने चाहिए। ओके, या जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे, सेकंड पॉइंट आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट देयर कोर्स एंड जॉइन द नेक्स्ट हायर स्टडीज। क्लियर? तो ये आपको लिखना है कि अगर स्टूडेंट जो छोड़ के चले जाते हैं स्कूल बीच में ही, वो कम है तो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, और जो स्टूडेंट पूरा कंप्लीट करके जाते हैं और हायर एजुकेशन या जॉब को अचीव कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी परफॉर्मेंस सही है, यानी हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। तो फर्स्ट ये लिख दोगे, ठीक है, अब सेकंड कौन सा आता है हमारे पास, एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी में आपको क्या लिखना है, एफिशिएंसी में देखो जरा, हाँ जी, एफिशिएंसी के अंदर क्या लिखना है आपको, कितने इफेक्टिवली यानी प्रोडक्टिवली हम कितना काम कर रहे हैं। ओके, हम कितना प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी देखो, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, स्कूल में देखो क्या कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी टीच्ड ट्रेन्ड बाय ए टीचर इन द वन आवर, मतलब एक घंटे में कितने स्टूडेंट को हम ट्रीट करते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा, केपीआई क्या होगा इसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो कि कितने हैं, नंबर ऑफ टीचर देखो कि कितने हैं, टीचर्स रेशियो इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीचर्स, यही तो मतलब हुआ,
कि एक टीचर अगर ज्यादा स्टूडेंट को टीच करेगा तो उसकी रेशियो सही नहीं होगी। एक टीचर अगर कम स्टूडेंट को टीच करेगा तो वो रेशियो हमारी क्वाइट सेटिस्फैक्टरी रहेगी। क्लियर पार्ट भाई? तो ये हमें फर्स्ट पॉइंट बताना है, ठीक है। कौन सा? इफेक्टिवनेस हो गया और एफिशिएंसी हो गया। थर्ड में क्या आता है हमारे पास? थर्ड में क्या आता है? देखो, इकोनॉमी। इकोनॉमिक में हम क्या देखेंगे? कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, यानी सस्ता टिकाऊ बढ़िया, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है हाउ मच आउटपुट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द लोएस्ट कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या स्कूल का? कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा? कितना पैसा हम लाइब्रेरी पर खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा हम मेंटेनेंस पर खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा हम टीचर की सैलरी पर खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा हम नॉन टीचर स्टाफ पर खर्च कर रहे हैं, राइट। तो ये जो खर्चा एक्चुअल होगा दैट शुड बी कंपेयर विद द बजट। अगर एक्चुअल खर्चा हमारा बजट से ज्यादा है तो इसका मतलब नॉन इकोनॉमिक, और अगर एक्चुअल खर्चा विद इन द बजट है तो इसका मतलब वो इकोनॉमिकल आएगा। तो ये हम इस तरह से एक परफॉर्मेंस मेजर कर लेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे पहला क्या होगा? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस का मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने स्टूडेंट को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट लीविंग द स्कूल्स, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ जाते हैं, दैट शुड बी लो। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्लीट करके जॉब ले लेते हैं या हायर एजुकेशन लेते हैं, ओके। सेकंड आएगा हमारी एफिशिएंसी यानी प्रोडक्टिविटी, यानी एक टीचर कितने स्टूडेंट को टीच करता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ टीचर्स, यानी टीचर स्टूडेंट रेशियो, दैट शुड बी लो, ओके। अगर एक टीचर ज्यादा स्टूडेंट को टीच करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम ही आएगी, इंट्रैक्शन कम होगा। तीसरा आता है हमारे पास क्या? इकोनॉमी, यानी कितना पैसा खर्च कर रहे हो। ऐसे ऐसे कहते हैं ना, सस्ता टिकाऊ बढ़िया, तो उसमें क्या कहोगे? कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कहां पर? लाइब्रेरी पर, राइट, स्कूल मेंटेनेंस पर, टीचर्स की सैलरी पर, नॉन टीचर्स की सैलरी पर, यही तो हुआ ना, राइट। अब कितना पैसा खर्च कर रहे हो, हाउ कैन यू से? बजट बना लो ना, कितना बजट आपका? अगर मेरा खर्चा बजट से कम है तो ठीक है, मैं इकोनॉमी में काम कर रहा हूं। अगर मेरा खर्चा बजट को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब ओवर स्पेंडिंग है, यही तो मतलब वो बेफालतू तुम्हें खर्च कर रहे हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बजट तो हम ध्यान में रख के बनाते हैं ना, व्हाट द अमाउंट शुड बी स्पेंड। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरा खर्चा विद इन द बजट है इसका मतलब मैं इकोनॉमिकली काम कर रहा हूं, और अगर मेरा खर्चा बजट से ऊपर है तो इसका मतलब मैं अनइकोनॉमिक काम कर रहा हूं, तो मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? फ्रेमवर्क हो गए, ठीक है। ये फ्रेमवर्क हम देकर अपने जो इन्वेस्टर है, अपने जो डोनर है, अपने जो मेंबर है, हम उनको कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि हम तीनों एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं। क्लियर बात बेटा? चलिए अब आते हैं सेकंड केस स्टडी पर। कौन सी सेकंड केस स्टडी आती है हमारे पास? हाँ जी, हॉस्पिटल की, ठीक है। चलिए बेटा अब आते हैं सेकंड हॉस्पिटल वाले में, ध्यान से पढ़ो रखिए, स्टडी नंबर 3, ठीक है। मैं फटाफट पढ़ता भी जाता हूँ आपके पास। ये कह रहा देखो, क्योर हॉस्पिटल इज रनिंग अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल, बहुत जल्दी से पढ़ते हैं, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एप्को हॉस्पिटल लिमिटेड इज द प्राइवेट पार्टनर विच रन्स ए चेन ऑफ हॉस्पिटल ऑन द प्रॉफिट बेसिस इन मेजर सिटीज इन इंडिया। मतलब हमारा क्योर हॉस्पिटल है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर रहा है। एप्को से इनका एक क्या है? एक कोलैबोरेशन है। आ कहते हैं पब्लिक पार्टनर इज द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। पब्लिक पार्टनर एक कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। ये कहते हैं क्योर हॉस्पिटल इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। प्राइवेट पार्टनर इज टू इन्वेस्ट इन अपग्रेडिंग एंड इक्विपिंग द फैसिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। मतलब जो प्राइवेट पार्टनर है वो सब ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि भाई हमें इसको ऑपरेट करना है, अपग्रेड करना है, ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं रखना है। और गवर्नमेंट क्या करेंगे? स्पेस देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, ओके, इन एज इज वेयर कंडीशन बेसिस, सपोर्ट फैसिलिटीज देंगे और एमिनिटी सुविधा देंगे। मतलब गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी? स्पेस देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और हॉस्पिटल की सुविधाएं देगी। प्राइवेट पार्टनर ये कहते हैं, अज्यूम करते हैं कि फुल रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फंक्शन, ठीक है। प्राइवेट पार्टनर हैज अथॉरिटी टू मेक डेली मैनेजमेंट फंक्शन। क्लियर हो गया? क्योर हॉस्पिटल क्या कह रहे हैं? ये एक पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो किसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है? एप्को के साथ में। और इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और आगे कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इनको क्या देती है? स्पेस देती है, इक्विपमेंट देती है, ठीक है। और जो बाकी गवर्नमेंट है वो इनको अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देंगे। द हॉस्पिटल इज फंडेड टू ग्रेट एक्सटेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड फिक्स लेवल ऑफ फंडिंग टू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ईच ईयर। स्टेट गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट से पैसा आता है और वो हॉस्पिटल को देते हैं, ठीक है, और वो बजट एलोकेशन में काम आ जाता है। इट इज अप टू द हॉस्पिटल टू एलोकेट दिस फंड टू डिफरेंट एरिया सच एज डॉक्टर के सैलरी, दूसरे स्टाफ के सैलरी, दवाइयां और बाकी के हॉस्पिटल के ऑपरेटिंग खर्चे, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है? देखो ध्यान से, टू गिव प्रॉम्प्ट एक्सेस, मतलब हाई क्वालिटी सर्विस देना,
फ्री ट्रीटमेंट देना और वैल्यू फॉर मनी देना जो टैक्स पेड का है, 3E का मतलब वही एफिशिएंसी, इकोनॉमिक और इफेक्टिवनेस, और कंट्रीब्यूट करना है मेडिकल सोसाइटी को फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव वेज टू द डिलीवरी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। क्या का ऑब्जेक्टिव है? कि भी गरीबों को अच्छी सुविधा देना, ठीक है, हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट देना। और ये कैसे मेजर करेंगे? ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े सबका, 3E के द्वारा, और नए नए तरीके ढूंढना। एक्सेप्ट सिलेक्ट सर्जरीज, मतलब कुछ एक सर्जरीज हैं जिनको छोड़ देते हैं। ऑल सर्विसेज आर फ्री फॉर पुअर पेशेंट दैट आर बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, कार्ड होल्डर्स 40% बेड्स आर रिजर्व फॉर पुअर पेशेंट, मतलब 100 अगर हमारे पास पेशेंट है, 100 अगर बेड है, तो हम 40 बेड इनके लिए अलग रिजर्व करते हैं। फ्री आउट पेशेंट ओपीडी सर्विसेज टू पुअर, राइट, जो ओपीडी सर्विसेज हम इनके लिए पार वालों के लिए भी फ्री रखते हैं। सीटी स्कैन है, MRI है, ठीक है, ये सारे हम फ्री रखते हैं पुअर पेशेंट के लिए। सब्सिडाइज रेट फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए सब्सिडाइज रेट, मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। जनरल मेडिसिन दे रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो कि सभी पेशेंट के लिए डिस्काउंट रेट है 40-50%, 56%, द ओनली शॉप ऑफ दिस काइंड इन द सिटी, और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दी है हमारे पास, ठीक है। न्यू नेटल का मतलब होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा केयर यूनिट। द हॉस्पिटल इज एबल टू ऑब्टेन 5 एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम वेरियस अथॉरिटी, ठीक है। ये फीडबैक आ रहा हमारे पास पेशेंट से 1 to 10 स्केल, ठीक है, 1 बीइंग द लीस्ट स्पेसिफिक। ओके, अब ये कहते हैं आगे, आज इन रिसेंट मीटिंग ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द हॉस्पिटल डिस्कसिंग वर हेल्ड अबाउट एडिक्वेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम टू असेस वेदर द हॉस्पिटल इज अचीविंग ऑब्जेक्टिव एंड इनसफिशिएंट अटेंशन इज गिवन टू द इंपॉर्टेंस नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हमारी मीटिंग हुई तो सर हमें क्या इवेल्यूएट करना है, क्या हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 4 मेंबर हमने उसमें इन्वॉल्व करे, ओके, तो 4 जो डॉक्टर है वो अपना अपना व्यूज दे रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो ध्यान से, ये केस स्टडीज का मतलब होता है कि आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जा रही है, उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको ये डिसाइड करना है कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से सही फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि जो डोनर है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको लगे कि हाँ हम इनको जो पैसा दे रहे हैं वो ये सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हिस्टोरिकल डाटा भी आपको दिया जा रहा है। देखो हिस्टोरिकल डाटा क्या दे रहे हैं, अच्छा एक मिनट, डॉक्टर ए, डॉक्टर बी, डॉक्टर सी, डॉक्टर डी और डॉक्टर के, ये क्या कहते हैं, इन सबके अपने अपने व्यूज हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमेशा हॉस्पिटल, मतलब अपनी मीटिंग करी उन्होंने कि भाई हम तो अपनी पूरी वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं, और बी क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं हमारे डॉक्टर्स, ठीक है। सी डॉक्टर क्या कहता है कि हमारे पास there is not enough government and private partners funding, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है ताकि हम अच्छे डॉक्टर्स को या पैरामेडिक स्टाफ को अपॉइंट कर सके। और डी क्या कहता है, नंबर ऑफ ओपीडी जो है वो बढ़ते जाने जा रहे हैं, पैसा है नहीं और पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारा पेशेंट का वेटिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट से 3 घंटे हो गए। अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। और डॉक्टर क्या कहता है, डू नॉट नो हाउ मच टाइम वाज स्पेंट डेवलपिंग इनोवेटिव वेज टू डिलीवर ट्रीटमेंट, मुझे नहीं समझ में आ रहा के कहता है कि भाई कितना आप इनोवेटिव वे दे रहे हो अपने पेशेंट के लिए, ठीक है। इनकम्पिटेंट है पैरामेडिक स्टाफ, पुअर क्वालिटीज है, ये सारी चीजें बता रहे हैं। चलिए अब आपको एक क्वालिटेटिव डाटा भी दिया जा रहा है, इसके हिसाब से हमें बताना है क्या कहता है। नंबर ऑफ डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में तो कितने हैं, 80, और एवरेज हमारे पास जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उसमें है 76, इसका मतलब हमारे पास डॉक्टर तो ज्यादा है, होने चाहिए 76, ठीक है। अब वो कहता है एवरेज डॉक्टर सैलरी पर मंथ इंक्लूडिंग ओवर टाइम 1,20,000 है, और होनी चाहिए एक तरह से 200 के हिसाब से 1,60,000, ये एक तरह से इंडस्ट्री एवरेज की बात कह लो। एवरेज डॉक्टर सैलरी इंक्लूडिंग ओवर टाइम पर बजट, ठीक है, 1,20,000 बजट होना चाहिए, 1,20,000 का बजट है, बजट के हिसाब से तो ठीक है, पर एवरेज बजट इंडस्ट्री एवरेज होना चाहिए 1,25,000, और वो दे रहे हैं 1,60,000, तो यानी वो लोग तो बजट के हिसाब से ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, वो लोग तो बजट के हिसाब से आपको ज्यादा दे रहे हैं। चलिए अब ये कह रहे हैं एवरेज सेटिस्फेक्शन रेटिंग इन पेशेंट 6 है हमारे पास, जबकि होनी चाहिए 9। नंबर ऑफ पेशेंट री एडमिटेड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द सेम अलाइनमेंट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर डिस्चार्जिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, मतलब अगर ट्रीटमेंट दे दिया तो दोबारा एडमिशन कितने हो रहे हैं, 627 हो रहे हैं, होने दूसरों में 128 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कम है। एवरेज स्टाफ सेटिस्फेक्शन रेटिंग हमारी 16 है और 86% होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ आउट पेशेंट ट्रीटेड ओपीडी वाले जो पेशेंट है वो कितने है? 76,212, और होने चाहिए इतने, ओके, यानी बढ़ रहे हैं। अब वो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल सिंपल है, एक्सप्लेन व्हाई नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू मेजर परफॉर्मेंस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज
प्योर हॉस्पिटल, ठीक है। वो कहता है क्यों जरूरी है हमारा मेजर करना, तो क्यों जरूरी है, इन ऑर्डर टू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द डोनर। हमें जो डोनर है, जो मेंबर है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, उनका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए जरूरी है। यानी चैलेंजेस क्या क्या आएंगे हमारे पास, सबसे पहले चैलेंजेस क्या आएगा आपके पास, देखिए सबसे, अब इसमें पहले तो समरी लिख दोगे, समरी में क्या लिखोगे आप, हाँ जी देखो सबसे पहले आपको इसको समराइज कर देना है, ठीक है। क्या कहते हैं देखो, क्योर हॉस्पिटल इज फॉर्म विद द पीपीएच, ठीक है। क्या कहते हैं वो, कि ये जो फॉर्म रिपब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की फॉर्म में है और एप्को से हमारा कोलैबोरेशन है, ठीक है। हमारे पास कहां कहां से फंड आता है ये इसको समराइज करना, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और WHO, तीन अथॉरिटीज है। स्टेट गवर्नमेंट हमें क्या देती है, फिजिकल स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटीज, ओके। WHO हमें फंड देता है न्यूनॉटिकल आईसीयू के लिए, न्यूनॉटिकल का मतलब होता है, न्यूनॉटिकल का मतलब होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनको अगर हमें कोई आईसीयू में रखना था उसके लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें क्या देती है, फंड देती है, फैसिलिटी देती है। तो हमारी ये फ्यूडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई हम अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मीजर करें, ताकि हम हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको, उनका कॉन्फिडेंस हम ले सके। और हमारा पर्पस क्या है, क्वालिटी हेल्थ केयर देना पुअर पेशेंट्स को, जो और अतिरिक्त स्पेस ऑक्यूपाइड करना, 40% रिजर्व करना फॉर बीपीएल। तो ये पहले लिख दोगे, अब लिखोगे कि भाई क्या चैलेंजेस है, क्यों जरूरी है, राइट, क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, यानी वापस कुछ चैलेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट आएगा बेनिफिट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा कि बेनिफिट्स मे अक्रू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड आएगा मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और मल्टीपर्पज, यही चारों पॉइंट थे, वही चारों पॉइंट लिखने। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप इसमें, सेम कि बेनिफिट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, हम ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी के बेनिफिट को क्वांटिफाइड नहीं कर सकते। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, रिवेन्यू कितने आ रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, वो रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स है, तो हम ये नहीं कर सकते कि भी बेनिफिट ऑफ सेविंग ऑफ लाइफ को फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये बताने, मतलब ये चैलेंजिंग वर्क है आपके लिए, ओके। कि भाई हमने कितनी हेल्थ केयर सर्विसेज दी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, तो इट्स स्लाइटली चैलेंजेस, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है ये जानना भी, बेनिफिट मे अक्रू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होता है कि हम कई बार कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, हमने आईसीयू में या न्यूनेटल में हमने पैसा लगाया, ठीक है, तो वो ये नहीं कर सकते इसको कि भाई अगले साल तक हम इसका इतना बेनिफिट डिराइव कर लेंगे। इट्स नॉट ईजी टू इवेल्युएट हाउ मच बेनिफिट यू आर एबल टू डिराइव इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, इट मे अक्रू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ चैलेंजेस, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, क्या होता है कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से पैसा आता है तो बजट सैंक्शन होता है, तो कई बार जो खर्च करते हैं रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज, वो उस बजट को मीट करने के लिए रैम्पट स्पेंडिंग कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मे रिजॉर्ट टू रैम्पट स्पेंडिंग, मतलब फालतू का खर्चा कर देते हैं ताकि बजट मीट हो जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर और पैसा दे कि अच्छा अच्छा आपने बजट को मीट कर लिया है, तो ये मोटिवेशन मिल जाता है अननेसेसरी, तो ये हमारे लिए चैलेंज बन जाता है, ठीक है। मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव्स, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं, तो प्रायोरिटी ढूंढ पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, अब आते हैं सेकंड पर, अब आते हैं हम सेकंड पर, ठीक है। चलिए देखो, अब सबसे पहले आता है इफेक्टिवनेस, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, इफेक्टिवनेस, है ना, बिल्कुल सिंपल है जो आपको पहले बताया था। क्या बताओगे प्योर हॉस्पिटल में इफेक्टिवनेस, हमारा पर्पस क्या है, CSR, जल्दी बताइए, टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, प्रॉम्प्ट मेडिकल सर्विस, ये लिखोगे। हाउ कैन यू मेजर, ये क्या लिखोगे इसमें, री एडमिशन ऑफ पेशेंट इन द नेक्स्ट पीरियड क्लो होना चाहिए, लो पेशेंट वेटिंग टाइम होना चाहिए, ओके। तो इसमें आप जरा डाटा देख लो कितना है हमारे पास, ओके, री एडमिशन हमारे पास कितना आ रहा है, जल्दी से क्विक देखो जरा, री एडमिशन कितना आ रहा है हमारे पास, हाँ जी री एडमिशन हमारे पास कितना आ रहा है, देखो 627 है, री एडमिशन हमारे पास कितने हैं 627, राइट, और होने कितने चाहिए हमारे पास 128, यही कह रहा वो, ठीक है। टोटल कितने हमारे पास पेशेंट, ये है री एडमिशन, ये है री एडमिशन, ओके, हाँ जी। अब एक मिनट जरा देखो, नंबर ऑफ पेशेंट री एडमिटेड कितने हमारे 627 और 128 होने चाहिए, ये हमारे एक्चुअल हैं, ओके, और होने इतने चाहिए दूसरे के हिसाब से इंडस्ट्री एवरेज। टोटल आपके पास नंबर ऑफ इनपेशेंट ट्रीटेड, इनपेशेंट ट्रीटेड देखने हैं, जो हमने जिनको ऑपरेट किया है वो 8360 है और होने चाहिए टोटल 636, होने चाहिए का मतलब क्यों कह रहे हैं, इंडस्ट्री एवरेज। तो इसको डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लें हम, इसको डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लेते हैं हम, चलिए इसको डिवाइड करके हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, हाँ जी। कितने स्टूडेंट, कितने पेशेंट है, नंबर ऑफ पेशेंट, हाँ जी, इफेक्टिवनेस हम यही देखेंगे ना, कितने पेशेंट हमारे रीएडमिट हो रहे हैं, तो ये हमारे एक्चुअल में हो रहे हैं, और टोटल पेशेंट देखो कि कितने 8360
और होने चाहिए 6369। इनको नहीं देखना क्योंकि आउट पेशेंट है, तो बाहर वाले पेशेंट है, ये बाहर वाले पेशेंट है ओके, जिनको हमने ऑपरेट किया वो देखना मुझे। तो ये 627 डिवाइडेड बाई 8360, 128 डिवाइडेड बाई 63690, ये हम देख लेते हैं ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास 8360, इतने पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट दी ओके। और यहां पर है 6369, तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, तो ए डिवाइडेड बाई बी ठीक है, 627 डिवाइडेड बाई 8360 और यह हो गया 128 डिवाइडेड बाई 6369, तो ये हमारे पास परसेंटेज निकल कर आ गई। ये लगभग आ रही है 7.5% और ये लगभग आ रही है हमारे पास 2.01%। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो 100 पेशेंट को अगर मैं ट्रीटमेंट देता हूं तो 2 पेशेंट वापस आने चाहिए इंडस्ट्री एवरेज हिसाब से, और यहां आ रहे हैं 7.5। इसका मतलब यहां पर हम अनइफेक्टिवनेस है, यहां पर हम इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया पार्ट भाई? दूसरा पार्ट अगर हम आते हैं ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहोगे? वेटिंग टाइम। सेकंड पार्ट में क्या कहोगे आप? वेटिंग टाइम। सेकंड पार्ट में आप कहोगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम देखो कितना, जरा फटाफट देखो वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम देखो फटाफट कितना है वेटिंग टाइम। हाँ जी, कितना बढ़ गया? 2.2 आवर्स है, ये हो गया 3 आवर्स। तो एक पेशेंट पहले 2 घंटे 20 मिनट वेट करता था, अब 3 घंटे वेट कर रहा है क्योंकि पेशेंट हमारे ज्यादा हैं, डॉक्टर कम है, है ना। तो इसका अलावा हम क्या कहेंगे ओवरऑल इस फील्ड में, हम क्या कहेंगे? अनइफेक्टिवनेस हम काम कर रहे हैं। हो गया क्लियर पार्ट बेटा? चलिए अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? हाँ जी, सेकंड पार्ट हमारा क्या है? एफिशिएंसी। सेकंड पार्ट हमारा है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में हम क्या कहेंगे? एफिशिएंसी में हम ये कहेंगे, हाँ जी, एफिशिएंसी। सेकंड पार्ट आता है हमारे पास एफिशिएंसी। बताओ एफिशिएंसी का मतलब प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी का मतलब हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, यही कहा था। तो इसमें आप ये कहोगे कितने पेशेंट हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, यानी एक डॉक्टर कितने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है ओके। तो हम कहेंगे हमारे क्योर हॉस्पिटल इफेक्टिवली काम कर रहे हैं ओके। तो यहां पर आप सबसे पहले ये देख लो कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, हम ये देख लेते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट ओके, कितने हैं हमारे पास, कितने होने चाहिए। यहां से देखो कितने पेशेंट हमारे पास, टोटल जोड़ लो जरा, टोटल आप ऐड कर लो, टोटल आप ऐड कर लीजिए नंबर ऑफ पेशेंट 76212 प्लस 8360, ये एक्चुअल में है, होने कितने चाहिए थे 63318 प्लस 6369, इनको जोड़ लेते हैं तो ये नंबर ऑफ पेशेंट आ जाएंगे। टोटल ऐड कर दो, ये आगे 84572 ओके, और दूसरा ऐड करो 687 ओके। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स है, और डॉक्टर्स कितने हैं वो देख लो, डॉक्टर्स कितने हैं हमारे पास वो देख लेते हैं राइट। टोटल डॉक्टर्स हमारे पास 80 है और होने चाहिए 76, यानी एक डॉक्टर कितने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, ये ले लेते हैं हम और ये बी ले लेते हैं, यानी तो नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट यानी पर डॉक्टर कितना आ जाएगा ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी, यानी 84572 डिवाइडेड बाय 80 और 69687 डिवाइडेड बाय 76। तो इसका मतलब एक डॉक्टर हमारे पास आ जाएगा कितने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.57 ओके। और यहां आ रहा है हमारे पास, नहीं ये सॉरी गलत आ रहा है, डिवाइड करो जरा एक मिनट, हाँ जी वन, ये आ रहा है हमारे पास 1057 और ये आ रहा है हमारे पास, डिवाइड करो जरा 917। इसका मतलब क्या है, एक डॉक्टर ज्यादा पेशेंट को ट्रीट कर रहा है और होने चाहिए कम। इसका मतलब हम इसीलिए डॉक्टर ओवर टाइम में भी काम कर रहे हैं तब भी जाकर वो पूरा नहीं पड़ रहे, इसका मतलब वी आर नॉट डूइंग आवर वर्क एफिशिएंटली। इसका मतलब हमारे डॉक्टर की संख्या, हमारे डॉक्टर्स हमारे कम है और पेशेंट ज्यादा है। आप ये मत कहना ध्यान से कि डॉक्टर हमारे ज्यादा है, नहीं ध्यान से देखो, अगर हम ये कहें, अगर हम ये देखें कि डॉक्टर्स हमारे कितने हैं, डॉक्टर्स हमारे उनके कंपैरेटिवली ज्यादा हैं कहीं ना कहीं,
अगर हमारे देखें डॉक्टर्स हमारे क्या हैं, ज्यादा हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास डॉक्टर ज्यादा, क्योंकि पेशेंट के कंपैरेटिवली आप देखोगे ना, आप देखोगे पेशेंट के कम, आप देखो 80 डॉक्टर हैं 76, तो ये मत कह देना सर डॉक्टर ज्यादा हैं, अरे भाई डॉक्टर पेशेंट की तुलना में कम है। इज दैट क्लियर? तो वी आर डूइंग द वर्क नॉट सो इफेक्टिवली। क्लियर क्या पार्ट बेटा? चलिए थर्ड आते हैं। थर्ड हमारे पास क्या था? इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब क्या होता है? सस्ता, टिकाऊ और बढ़िया। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या लिखोगे? मैं डिजायर्ड आउटपुट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम लोएस्ट कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। ठीक है, लिख दोगे इतना। अब उसके बाद आता है हॉस्पिटल में हम क्या कहेंगे बात को, कि भाई हाउ मच अमाउंट स्पेंड ऑन सैलरी मेंटेनेंस ऑफ डॉक्टर स्टाफ, यानी सैलरी अमाउंट शुड बी कंपेयर विद द सिग्निफिकेंट जस्टिफाइड कंपेयर विद द बजट और अदर हॉस्पिटल, वो हम बेंचमार्क बना लेंगे। अगर हमारे एक्चुअल अमाउंट बजट से ज्यादा है तो अन इकोनॉमिकल होगा, कम है तो इकोनॉमिकल होगा। तो अब एक्चुअल अमाउंट देख लेते हैं हम जरा। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट पर आना जरा। चलिए अब आते थर्ड, क्या कहना चाहते हैं इसमें, स्टैटिस्टिकल डाटा लें तो ध्यान से देखो, डॉक्टर की जो सैलरी है वो पर मंथ ओवर टाइम 1,20,000 है और एवरेज हमारी 1,60,000, बजट 1,20,000 है। तो सबसे पहले कहोगे कि सर एवरेज डॉक्टर सैलरी इज एज पर बजट, सो वी आर डूइंग द एक्सपेंडिचर एज पर इकोनॉमिकल, राइट? एज वेल एज इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द एवरेज, इट इज बिलो द एवरेज, क्योंकि ऑन एन एवरेज 1,60,000 होना चाहिए एक डॉक्टर को सैलरी और हम दे रहे हैं 1,20,000, तो दो बातें आ गई, इट इज बिलो द एवरेज, इट इज इक्वल टू द बजट। दोनों बातें क्लियर है? इट इज इक्वल टू द बजट, इट इज इक्वल टू द बजट बट इट इज बिलो द एवरेज। तो सर यहां पर एक बात और आती है, इकोनॉमिकल तो है बट दिस मे बी द रीजन ऑफ नॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टाफ। देखो स्टाफ का सेटिस्फेक्शन 16% है, होना चाहिए 86%, तो जब उनको सैलरी कम मिल रही है और काम ज्यादा दे रहे हो, अब होलिस्टिक भी देखोगे ना आप, उनको सैलरी एज पर बजट दे रहे हो पर एवरेज से कम दे रहे हो और डॉक्टर भले ही ज्यादा है पेशेंट इतने ज्यादा है, तो इसका मतलब एक डॉक्टर जब ज्यादा पेशेंट को ट्रीट कर रहा है और ओवर टाइम भी पैसे नहीं ले रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि सेटिस्फेक्शन का कहीं ना कहीं कम होगा। तो हालांकि इकोनॉमिकल तो है बट ये इकोनॉमिकल दूसरों पर भारी पड़ रहा है, तो आप ओवरऑल ये कहोगे कि इकोनॉमिकली द हॉस्पिटल इज डूइंग वेल बट दिस विल रिजल्ट लो सेटिस्फेक्शन टू द स्टाफ बिकॉज दे आर डूइंग द वर्क विदाउट गेटिंग एनी ओवर टाइम पेमेंट, ओके, विच रिजल्ट इन एफिशियंसी एंड एज वेल एज इन क्या होगा, इकोनॉमिकल तो है, इनएफिशियंट वर्कर हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इनइफेक्टिवनेस यानी अपने ना तो इफेक्टिवली काम कर पाएंगे ना ही अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। क्लियर पार्ट बेटा? चलिए अब आते हैं हम जरा थर्ड पार्ट में, देखो क्या पूछ रहा है और ध्यान से देखिए, हो गया क्लियर? थर्ड पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है, हाँ जी इवेल्युएट हो गया ये, हाँ जी अब आपसे पूछ रहा है इवेल्युएट वेदर क्योर हॉस्पिटल इज डिलीवरिंग वैल्यू फॉर मनी, ये हो गया। अब सी पार्ट में क्या कर रहा है, द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल इंटेंड टू इंट्रोड्यूस नॉमिनल फीस, नॉमिनल फीस रखना चाहते हैं पूरे पेशेंट के लिए, ये नहीं अभी तो फ्री था, नॉमिनल फीस रखना चाहते हैं और सब्सिडी रिमूव करना चाहते हैं, तो अब आप इवेल्युएट करके बताइए इस प्रपोजल को, ओके? हाँ जी ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हमें बताना है अपनी सलाह देनी इवेल्युएट, तो ध्यान से देखो इसमें क्या कहोगे आप, इसमें आप कहोगे कि नहीं आपको फीस नहीं बढ़ानी चाहिए ना सब्सिडाइज रेट रखना चाहिए, क्यों? इसका रीजन ये है कि देखो सबसे पहली बात, जो आपका क्योर हॉस्पिटल है वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एम क्या है, क्वालिटी हेल्थ क्योर करना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, ओके? हाँ, प्राइमरी फंडिंग कहां से मिलती है उसको, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, इट डज नॉट जनरेट एनी रिवेन्यू फ्रॉम द पेशेंट, ओके, पर इसका पर्पस है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और सीईओ कहता है कि इंट्रोड्यूस करें नॉमिनल फीस ओपीडी पेशेंट से और रिमूव करें सब्सिडीज, ठीक है, बट ये हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएगी कि अगर हम फीस लेना नॉमिनल फीस भी चार्ज करने या फिर हम सब्सिडाइज रेट हटा दे, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएगी। ठीक है, हम क्या कहना चाहते हैं, अभी एक डॉक्टर कितने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, 1057 और होने चाहिए 917, तो इसका मतलब डॉक्टर पर बर्डन ज्यादा है, तो अगर हम स्टेट, अब ध्यान दो ना, हमारा पर्पस क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट से हम ज्यादा फंडिंग लें ताकि हम डॉक्टर को ज्यादा अपॉइंट, ताकि हम डॉक्टर को ज्यादा अच्छा पेमेंट कर सके और डॉक्टर भी अपॉइंट कर सके ताकि नंबर ऑफ पेशेंट पर डॉक्टर रिड्यूस हो, जिससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और उनका वेटिंग टाइम भी कम होगा और इनोवेटिव वेज भी हम ले पाएंगे। इसका मतलब हम ये सलाह देंगे कि हम स्टेट गवर्नमेंट से फंड ज्यादा ले पाए तभी हम अपने डॉक्टर्स को ज्यादा पे कर पाएंगे और स्टाफ का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, तभी उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और तभी हमारी इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, यानी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, यानी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाओगे कि इनोवेटिव दे पाओगे, अच्छी प्रॉम्प्ट सर्विस दे पाओगे, क्योंकि डॉक्टर को ज्यादा पैसे दे पाओगे
तो डॉक्टर कम पेशेंट को जल्दी ट्रीट करेगा, अगला पेशेंट जल्दी आएगा, यानी वेटिंग टाइम भी कम होगा और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ेगा। तो मेन पर्पस क्या हुआ, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव वी शुड इंक्रीज द फंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट, ओके, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग द नॉमिनल अमाउंट और रिमूव द सब्सिडीज, बिकॉज द बेसिक पर इससे बेसिक पर्पस डाइल्यूट होगा। ठीक है, बेसिक पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड द फ्री, टू प्रोवाइड द मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पुअर पेशेंट, तो वो कहीं ना कहीं फिर डाइल्यूट हो जाएगा। तो बेटर क्या है, फंड्स बढ़ा दो। ओके, चल क्लियर हो गया बेटा, फटाफट एक बार एक सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। सबसे पहले पूछ रहा था वो क्यों जरूरी है, ओके, तो पहले समराइज बता दिया, समरी करने के बाद हमने क्या दिया, क्यों जरूरी है, क्योंकि बेनिफिट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। ठीक है, हम बेनिफिट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसमें आप ये कहोगे कि सेविंग इन लाइफ कैन नॉट बी मेजर इन द मॉनेटरी टर्म, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट को मेजर कर सकते हैं, तो यहां नहीं कर सकते हम। ओके, खर्चे हमारे क्या होते हैं कि एक साल के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो ये नहीं होता कि एक साल के लिए आप उसका बेनिफिट ले पाओगे, इट मे अक्रू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब आईसीयू बनाया या आपने नियोनेटल सर्विसेज के लिए आईसीयू बनाया, तो ये नहीं कह सकते कि अगले साल आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इट विल अक्रू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो थर्ड हम ये कहते हैं कि जो हमारा बजट है, हम कई बार क्या होता है कि बजट को मीट करने के लिए अननेसेसरी ज्यादा खर्चे कर देते हैं, तो वो हमें नहीं होने चाहिए। अगर हम बजट को मीट करने के लिए सारे खर्चे कर देते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है कि और पैसा आए और पैसा आए, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव, कई बार मल्टीपल पर्पस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रायोरिटी ढूंढना मुश्किल होता है कि मेन प्रायोरिटी क्या है जिस पर हम फोकस कर रहे थे, तो यानी दीज आर द चैलेंजेस। ओके, अब वो पूछ रहा है कि क्या क्या पूछ रहा है, फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क में आप क्या कहोगे, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंसी कितने हम इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं, और इकोनॉमी का मतलब सस्ता टिकाऊ और बढ़िया। ठीक है, तो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में क्या सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, एक एफिशिएंसी है, इकोनॉमी है और इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब आप अपने कितने उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हाँ जी, क्लियर हो गया पार्ट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफेक्टिवनेस, इसका मतलब है रीएडमिशन हमारे पेशेंट कितने आ रहे हैं, हमारा पर्पस क्या, अगर टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, प्रॉम्प्ट मेडिकल सर्विस, यानी रीएडमिशन ये कैसे पता लगेगा, या आप कहोगे रीएडमिशन ऑफ पेशेंट इन द नेक्स्ट पीरियड, लो पेशेंट वेटिंग टाइम, तो रीएडमिशन देख लो कितने हैं, 627 होने चाहिए 128। ओके, ये परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं ना, वेटिंग टाइम हमारे पास कितना है 2.2 और कितना होना चाहिए 3, मतलब 2.2 की जगह बढ़कर 3 हो गया, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। सेकंड क्या आता है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितने पेशेंट ट्रीटेड कर रहे हैं डॉक्टर, नंबर ऑफ पेशेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्टर्स, तो वो भी हमारे पास एक पेशेंट, एक डॉक्टर ज्यादा पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, जबकि एक पेशेंट उतने डॉक्टर को, एक डॉक्टर उतने पेशेंट को ट्रीट नहीं करना चाहिए, इससे स्टाफ का सेटिस्फेक्शन भी कम हो रहा है। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब खर्चे, खर्चे हमारे कितने आ रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट पर ऑपरेशन, कॉस्ट एक तरह से क्या कहते हैं, हम कितना खर्चा हम कर रहे हैं, ये तो मतलब हुआ, हाँ जी, कितना खर्चा हम कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि सैलरी जो डॉक्टर की है वो हमारी बजट के बराबर तो है पर दूसरे से कम है, तो इसका मतलब है कि हम डॉक्टर्स को उतनी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं जितनी ऑन एन एवरेज देनी चाहिए, तो इसका मतलब इकोनॉमिकल तो है कि हम कम खर्चे में काम कर रहे हैं, बट ये इकोनॉमिकल होने की वजह से इन एफिशिएंसी आ रही है और इन इफेक्टिवनेस आ रही है। क्लियर पार्ट भाई, अब तीसरा कह रहा है कि अगर हम अपने क्या करें, सब्सिडाइज रेट हटा दें और पैसा चार्ज कर दें पुअर पेशेंट से, तो इसका मतलब ये होगा कि हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इससे हमारा ऑब्जेक्टिव डाइल्यूट होगा, तो बेटर क्या होगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग बढ़ाएं, जिससे डॉक्टर को हम ज्यादा पैसे दें, डॉक्टर ज्यादा अपॉइंट करें, तो नंबर ऑफ पेशेंट पर डॉक्टर हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो जब एक डॉक्टर कम पेशेंट को ट्रीटमेंट देगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और पेशेंट का वेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। जब ज्यादा फंडिंग आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे हमारे पास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम अच्छा कर पाएंगे, इनोवेटिव वेज भी हम अच्छा कर पाएंगे, यानी हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे, यानी इफेक्टिवनेस में हम 100% अपना दे पाएंगे। ओके, तो ये हमें बताना है। क्लियर हो गया पार्ट, चलिए अब तीसरे पर आते हैं फटाफट। चलिए बेटा एक काम करते हैं, इस केस स्टडी को फटाफट पढ़ लेते हैं, थर्ड पार्ट जो मैंने आपको समझाया था सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। ठीक है, एक बार आप पढ़ लो इसको, ठीक है, एक बार रीड करके और इसको पॉज कर देना, फिर आगे शुरू करते हैं इसको। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से रीड कर लो आप इसको एक बार फटाफट से। चलिए अब देखो, फर्स्ट इसमें मांग क्या रहा है, पहले एक बार ये देख लें। हाँ जी, ये कहता है बेसिकली रिकमेंड द गाइडलाइन
हाँ जी, क्या मांग रहे हैं आपसे इसके अंदर? रिकमेंड गाइडलाइन टू एसेस इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ बीच क्लीनिंग ऑपरेशन, ये मांग रहे हैं। इसका मतलब वो क्या मांग रहा है? वैल्यू फॉर मनी, यानी 3E, ठीक है। गाइडलाइन टू एसेस इफेक्टिवनेस, इन दोनों का पार्ट एक ही तो हो गया, इफेक्टिवनेस इकोनॉमिक और एफिशिएंसी। अब वो कहता है कि चैलेंजेस क्या आएंगे, ठीक है, इफेक्टिवनेस में। और आगे पूछ रहा आपसे रिकमेंड जनरल गाइडलाइंस, हाउ ऑडिट टीम मे कंक्लूड द ऑडिट बेस्ड ऑन कंबाइंड, तीनों के लिए, मतलब एक जो ऑडिट टीम होगी वो कैसे बता पाए कि हम इनको कंक्लूड कर पाए, ठीक है। तो वो एक तरह से निर्णय बताना आपको। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे इसके अंदर? हाँ जी, सबसे पहले आप ये कहोगे, चलिए सबसे पहले करते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हम क्या कहते हैं? डिजायर्ड आउटपुट कैन बी अचीव्ड राइट विद द लोएस्ट कॉस्ट, यानी सस्ता टिकाऊ बढ़िया। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट, मतलब कितना पैसा हमने खर्च किया है। तो क्लीनिंग एक्सपेंस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, ध्यान से देखो, क्लीनिंग एक्सपेंस कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग प्रोसेस होना चाहिए फॉलोड बाय रिव्यू, ओके, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज विद द लोएस्ट कॉस्ट, ये होनी चाहिए। तो ये कैसे जज करोगे, मतलब KPIs का क्या लिखोगे? पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो एक्सपेंस आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्टर को वो कैसे जज करोगे, ओके। पेमेंट एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एम्प्टी वेस्ट फ्रॉम बिन, अदर एक्सपेंसेस क्या होंगे, लेबर का, मेटेरियल का, डिस्पोजल वैन का, ये सारे खर्चे किससे कंपेयर करोगे? बजट से। और सिमिलरली क्लीनिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय नेबर टाउन, तो अगर मेरे एक्चुअल खर्चा बजट से कम है तो इसका नाम कहेंगे मोर इकोनॉमिकल, अगर एक्चुअल खर्चा बजट से ज्यादा है तो हम कहेंगे अन इकोनॉमिकल, और इट्स शुड बी कंपेयर्ड विद द अदर क्लीनिंग एक्टिविटीज, यानी ट्रेंडिंग प्रोसेस आप कंपेयर करोगे। ये पार्ट क्लियर है बेटा, राइट भाई? तो इसमें आप ये फर्स्ट कहोगे इकोनॉमिकल के लिए, ओके। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट। हाँ जी, सेकेंड पार्ट में आप क्या कहोगे? एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटर, ओके, एफिशिएंसी ऑफ क्लीनिंग अथॉरिटी, ओके। एफिशिएंसी में हमने क्या बताया था आपको कि प्रोडक्टिविटी, नॉर्मल हम क्या बात करें, प्रोडक्टिविटी, यानी एक नॉर्मल हम बात क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। यहां पर हम क्या कहेंगे, देखो हम कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट आता है। क्लीनिंग में क्या कहेंगे, हम लॉग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर ये लॉग रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि म्युनिसिपैलिटी वर्कर मेंटेन करते हैं कि कितने रिसोर्स यूटिलाइज हुए, कितनी एक्टिविटी करी। लॉग रिकॉर्ड मेंटेन का मतलब क्या क्या रिसोर्स मैंने यूटिलाइज करे और क्या क्या मैंने एक्टिविटीज करी, ठीक है। उसके लिए हम कॉस्ट ड्राइवर यूज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पर ट्रैक्टर, यानी क्या बताया था, टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग ट्रैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रैक्टर और किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें एक और आता है कि कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रेचेज होते हैं जिनको अलग करना पड़ेगा और जिसमें हो सकता है टाइम या रिसोर्स ज्यादा कंज्यूम हो, उसको यहां से हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जैसे होता है ना एबनॉर्मल लॉस। तो यहां पर क्या कहते हैं हम कि सर कुछ ऐसे स्टेजेस होंगे जिसको हटाने के लिए हमारे को बहुत अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा रिसोर्स भी लगेगा, जैसे जैसे रॉक्स हो गए, बहुत थोड़ी चट्टाने हो गई या सॉफ्ट सैंड की वजह से हमें अलग खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग से हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग बुक से कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन लेकर पीरियडिकल चेक करना पड़ेगा, ट्रेंड चेक करना पड़ेगा, एनालाइज चेक करना पड़ेगा, तब हम एफिशिएंसी को मेजर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया पार्ट बेटा, राइट। तीसरे में अगर हम आते हैं, हाँ जी, तीसरा आता है इफेक्टिवनेस, इसका मतलब हमने अपने उद्देश्य को पूरा किया है या नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या कहेंगे, क्लीनिंग एक्चुअल क्लीननेस कंपेयर विद द डिजायर्ड लेवल इन द पॉलिसी, ठीक है, यही पता लगेगा कि हम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लीटर, अब इसमें क्या आता है, इसको डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, ये भी हमें पता चलना चाहिए कि लीटर जो कूड़ा उसको क्या डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मतलब हर एक पेपर इसमें आता ही नहीं था, क्योंकि हर पेपर को हटाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक एल्यूमिनियम कैन को हटाया जा सकता है, तो लीटर में क्या क्या आता है, जैसे फूड रिफ्यूजल आ जाएगा, एनिमल ड्रॉपिंग आ जाएगी, ग्लास बॉटल आ जाएंगे, टिन कैंस आ जाएंगे, ठीक है, और बिन एटसेट्रा। तो हम ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किसको हटा सकते हैं, किसको नहीं हटा सकते, जैसे वहां पे कुछ सिप्पी आ जाती हैं या कुछ छोटे मोटे पेड़ उग जाते हैं तो हम उसको नहीं हटा पाएंगे। तो ये हमें एक तरह से ये देखना पड़ेगा कि क्या हम जो क्लीन कर रहे हैं वो हमारी पॉलिसी के हिसाब से है या नहीं। तो इन जनरल हम क्या कहेंगे, जो एल्यूमिनियम टीन है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये जो फूड रिफ्यूजल्स है या जो एनिमल ड्रॉपिंग है, इनको हम हटा सकते हैं, ठीक है, दी शुड बी रिमूव्ड, ओके। अब आता है चैलेंजेस, ठीक है। अब चैलेंजेस में देखो, जब ध्यान से जरा क्या क्या आएगा, चैलेंजेस में कहता है कि लीटर इज नॉट एक्सप्लेन्ड, डिफाइन द स्टैंडर्ड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द लीटर, द लेवल ऑफ क्लीननेस इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं चैलेंज की बीच जो पैटर्न है इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं। अब जैसे कूड़ा उठाना है तो इफेक्टिव ऑपरेशन को नहीं दिखाता,
हम इसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि हम सारे लिटर को उठा दें, तो ये एक हमारा पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं हो पाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम अच्छा क्लीनिंग करें, तो ये हमारा एक चैलेंज आएगा कि लीटर को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके हम किस किस को रिमूव करें। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भी सरप्राइज विजिट कर सकते हैं, और वहां पर जो लोकल विजिटर्स आते हैं उनको कह सकते हैं कि भाई आप हमें मैसेज करके बताइए, कंप्लेन बॉक्स लगा सकते हैं, दीज आर द मेजर्स वी कैन फॉलो, यही तो हो सकता है। ठीक है, अब वो कहता है कि ऑडिट टीम के लिए आप क्या क्या करोगे, तो ऑडिट टीम के लिए क्या चैलेंज आएगा कि क्या ऑडिट टीम के लिए क्या गाइडलाइन होंगे, क्या क्लीनिंग ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया है या नहीं ये देखेंगे। ठीक है, क्या क्लीनिंग ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया है, अगर है तो देखेंगे क्या एक्सपेंस बजट के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या एक्सपेंस की जस्टिफिकेशन क्रिटिकल एग्जामिन करोगे कि वो एबिलिटी है या नहीं है, कि हम जो पेमेंट भी कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी से कंपेयर करो, सैंक्शन अमाउंट से कंपेयर करो। ठीक है, फिर आप ये कहोगे ऑडिट टीम में कि अगर सारे इफ ऑल आर नॉट मीट, ठीक है, देन इम्पोज द पेनल्टी रिक्वेस्टिंग मोर फंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और अगर सारे खर्च सारे हम मीट कर रहे हैं देन इट्स ओके, देन दे आर क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। क्लियर है, तो ये आप इसमें बताओगे। ओके, चलिए चलिए, देखो नेक्स्ट पार्ट आता है बैलेंस स्कोर कार्ड। ओके, अब ध्यान से सुनना, बैलेंस स्कोर कार्ड पहले एक जनरल वर्ड में मैं आपको समझा दूं क्या होता है ये, हम एक पहले जनरलाइज समझें जरा, फिर फटाफट इस पर आते हैं। हम एक बात करते हैं स्टूडेंट की, हम एक बात करते हैं जैसे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट है, अब एक स्टूडेंट की इवैल्यूएशन करनी है मुझे, भाई ठीक है, जब हम पहले स्कोर कार्ड पाते हैं क्या करते हैं, कंपनी की इवैल्यूएशन करनी है, कंपनी की जजमेंट करनी है कि क्या कंपनी अच्छी है या नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सर जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो ज्यादा अच्छी है। अब जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट की, स्टूडेंट अगर स्टडी में अच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं, अगर हम ये बात करेंगे कि स्टूडेंट को हमें जो ओवरऑल जज करना है तो उसको हम ये देखेंगे स्टडी भी अच्छा होना चाहिए, उसको आईक्यू लेवल भी अच्छा होना चाहिए, और अगर हम उससे कोई सवाल पूछे तो वो उसकी वे ऑफ डिलीवरी अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, और स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए, मतलब हर एरिया में उसको अच्छा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे हाँ भाई ही इज ए परफेक्ट, ही इज द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये तो होगा ना। ये नहीं कहेंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपको डिसाइड करना है भैया जिसके ज्यादा मार्क्स है उसको, नहीं, तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए कई पैरामीटर होते हैं, है ना, स्टडी, ठीक है, स्पोर्ट्स, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस, आईक्यू लेवल, ये सारी चीजें होती हैं। अब जैसे मिस इंडिया कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि ब्यूटी ब्यूटी ही अच्छी होनी चाहिए, नहीं, उसका हम आईक्यू लेवल भी देखते हैं, हम उसको देखते हैं कि वो जो रिप्लाई देती है क्वेश्चंस का वो कैसे डिलीवर कितना अच्छा होता है, राइट, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब कंपनी में आते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, भाई हम कहते हैं ना नॉर्मल हमारा थॉट होता है कि फॉलो एक्सेलेंस देन इजिली सक्सेस आपके पास आ जाएगी, नहीं, कि भाई आप एक्सेलेंस के पीछे भागो तो सक्सेस जक मार के आपके पास आएगी, तो वही सारे पैरामीटर वही सारी बातों को लेकर हमने कंपनी के बारे में कह दिया, ठीक है, कि अगर कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमा रही है तो हम उसको अच्छा नहीं कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं भाई पेटीएम है अभी ठीक है उसमें फाइनेंशियल लॉसेज आ रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म में जाकर अगर उसके बाकी चीजें अच्छी हैं, बाकी चीजें क्या कि वो कस्टमर को कितना सेटिस्फाई करते हैं, उनका इंटरनल बिजनेस कितना स्ट्रांग है, नहीं, वो अपने एम्प्लॉय को कितना सेटिस्फाई करते हैं, अगर ये सारी चीजें ठीक है तो फाइनेंशियल आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। नहीं, अब जैसे मैं और एक सिंपल सी बात बताऊं कि हम एक जजमेंट लेते हैं समझदारी का कि भी एक व्यक्ति को अगर हम देते हैं कि सोना कि जाके बेचा, अगर उसमें इंटेलिजेंसी होगी आईक्यू लेवल होगा तो वो मिट्टी को भी सोने के भाव बेचाएगा, और अगर नहीं होगा तो सोने को मिट्टी के भाव बेचाएगा, तो कीमत सोने की नहीं है ना मिट्टी की है, कीमत किसकी आईक्यू लेवल की है कि वे ऑफ डिलीवरी की, हम कितना अच्छा कर पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको कर पाते हैं, तो यहाँ कंपनी की बात आ जाती है। अब जैसे नोकिया थी तो वो आज उस स्टेज पर नहीं है, अब फोर्ड कंपनी है वो अच्छे स्टेजेस पर है, तो ये सारी कंपनी केवल फाइनेंशियल पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं, ये सारी मतलब हम क्या कहते हैं कि सर कुछ भी हम अपना प्रोडक्ट बेच लेंगे, हम हमारा पर्पस क्या होगा नॉर्मली कि सर हमारे पास सेल ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, और भले ही हम सस्ता मटेरियल लगा दे तो आज तो आप कस्टमर को बेच लोगे अपना प्रोडक्ट कुछ भी कह के, बट लॉन्ग टर्म में दोबारा कस्टमर नहीं आएगा, तो इसका मतलब अगर किसी कंपनी की केवल और केवल फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो आप इसको जज नहीं कर सकते हाँ ये बहुत अच्छी है, उसके बाकी चीजें भी अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीज क्या कि उसके कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है, उसके कस्टमर का वेटिंग टाइम क्या है, उसमें कितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मतलब अपना प्रोसेसिंग टाइम कितना लगाते हैं, वो अपने इनोवेटिव वे उनके कितने हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं, उसमें कितने सेफ्टी मीजर्स, अगर ये सारी चीजें होंगी तो आज नहीं तो कल वो अच्छा कमा ही लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया हमें किसी कंपनी को जज करना है तो फाइनेंशियल पर ना ध्यान देकर हम अगर नॉन फाइनेंशियल पर ध्यान दें
तो क्यों ना फर्नीचर भी अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल। नहीं, हम कहते हैं ना भाई, अगर किसी में दिमाग है तो आज नहीं तो कल वो कमाई लेगा। तो इसका मतलब कंपनी के बारे में भी यही थॉट होता है कि अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, कोई कंपनी अपने इंटरनल बिजनेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो है इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग है जैसे कहते हैं ना, वो अगर उसमें इनोवेटिव आइडियाज में रखने की हमेशा शक्ति है तो वो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली कमा ही लेगी। यानी अगर इफ वी फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स देन फाइनेंशियल फैक्टर इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, तो ये एक बैलेंस हुआ। अब स्कोर कार्ड क्यों कह रहे हैं सर? बैलेंस तो समझ आ गया, सबका बैलेंस होना चाहिए। स्कोर कार्ड इसलिए कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, एक टारगेट बना लेते हैं हर एक का। भाई अब मेजरमेंट तो करोगे ना कि भाई कस्टमर कितने सेटिस्फाई होने चाहिए, कितनी बार ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, नहीं कस्टमर कंप्लेंट कितनी होनी चाहिए, तो टारगेट बना लोगे, उस टारगेट से इसको एक्चुअल को अचीव करोगे, तो स्कोर देते जाओगे। नहीं तो जितना ज्यादा अच्छा स्कोर होगा इतना बैलेंस होगा, इसलिए हम कहते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, तो अब जैसे मान लो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये नहीं कह सकते कि भी कि कोई वो वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा अच्छा है जो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट करवा रहा है। नहीं, उसमें देखेंगे कि कितने स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं, नहीं उनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है, कि भाई वो अपने स्टूडेंट को कितना अच्छा सेटिस्फाइड करते हैं, अगर उनकी कोई स्टूडेंट की क्वेरी आती है तो कितने जल्दी उसमें रिजॉल्व हो जाती है, या कोई नई अपडेट आती है जैसे GST नया आया तो वहां की जो फैकल्टीज हैं कितना वो उन फैकल्टीज को ट्रेन करते हैं जल्दी, और जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट स्टूडेंट को दे पाते हैं। ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो कंपनी में भी हम चार चीजें देखते हैं। क्या क्या देखते हैं कंपनी में? चार चीज देखो। हाँ जी, फाइनेंशियल। कंपनी में हम क्या देखते हैं? फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल और इनोवेशन। ठीक है, हम क्या कहते हैं, इन चारों पर अगर आप ध्यान लगाओगे तो इसको आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या कहते हैं? कस्टमर, यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करो, यानी नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट कम हो। याद सुना, कस्टमर की कंप्लेंट हमारे पास कम हो, कस्टमर का वेटिंग टाइम हमारे पास कम हो, राइट भाई? कस्टमर को हम डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं तो वो जल्द से जल्द रिडीम करें, राइट भाई? तो इसका मतलब है कि कस्टमर हमारा कितना सेटिस्फाइड रहेगा, ऑन टाइम डिलीवरी दे, डिफेक्टिव गुड्स कम से कम आए। ठीक है, इंटरनल, इंटरनल का मतलब इम्यून सिस्टम कहते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं हम। इंटरनल का मतलब क्या कहना चाहते हैं? इम्यून सिस्टम कहना चाहते हैं। यानी हम कहते हैं, ध्यान से सुनो, इंटरनल हमारा एक्ट होता है और कस्टमर परिणाम। अगर हमारे पास ज्यादा अच्छे सेल सेंटर होंगे तो इसका मतलब कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएंगे, वो किसी भी सेल सेंटर पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी ज्यादा सेल सेंटर होने चाहिए हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए अच्छी तरह से, रिसोर्स अच्छे होने चाहिए, यानी मशीनें अब अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हम अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे, डिफेक्टिव कम होंगे। नहीं, पुरानी मशीन होंगे तो कहां बना पाओगे। यानी इंटरनल का मतलब जो इंटरनल बिजनेस है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, वो अच्छा होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइड हमारा कम होना चाहिए, ये सारा आता है इसके अंदर। ठीक है, पोस्ट सर्विस हमारी कम होनी चाहिए, हम कितना अच्छा इंटरनल फैसिलिटीज दे पा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, यानी सेल पेनिट्रेट करना। ठीक है, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? लर्निंग, हम अपने एम्प्लॉय को कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, हम R&D पर कितना खर्च कर पा रहे हैं, कोई नया GST आया तो हम अपने टीचर्स को कितना जल्दी ट्रेनिंग पर कितना खर्च कर रहे हैं, कोई नई मार्केट में इनोवेशन आई है तो हम उसको कितना जल्दी कितना फ्लेक्सिबल अडॉप्ट कर पा रहे हैं। जैसे कंपनी है उसमें अकाउंटेंट है तो कितना जल्दी हमने उसको ट्रेन कर दिया ताकि वो कंप्यूटर पर आ सके, यानी नंबर ऑफ स्पेंट ओवर स्पेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितने ट्रेनिंग ओवर्स खर्च करे, कितना एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखा, तो ये एम्प्लॉय टर्नओवर उसमें सेफ्टी मेजर्स फॉलो करें हैं। ओके, यही कोई इनोवेशन है, जैसे एक एग्जाम्पल दूं आपको, बैंकिंग कंपनी जब लोन दे रही है तो उन्होंने ये कंपल्सरी कर दिया कि भी हम उनको लोन देंगे जो हमसे इंश्योरेंस लेंगे, तो एक इनोवेशन हो गया ना, सेल बढ़ गई। ठीक है, तो ये इनोवेटिव हुआ, लर्निंग हुआ, कितना R&D पर खर्च कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों हमारे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियल हमारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। चल अब इसको मैं आपको अलग अलग समझा देता हूँ। चलिए बेटा, बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में बता दिया आपको, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें क्या क्या कवर करना है। चार पॉइंट है देखो, फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, ओके, नॉन फाइनेंशियल में हमारे पास क्या क्या आएगा, नॉन फाइनेंशियल में हमारे पास क्या क्या आएगा, कस्टमर परस्पेक्टिव आएगा, इंटरनल बिजनेस आएगा और लर्निंग ग्रोथ एंड इनोवेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे थे हम कि जो नॉन फाइनेंशियल है अगर मैं उसको कंट्रोल कर लूं तो फाइनेंशियल मेरे अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, मुझे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या मुझे कवर करना है, मेरा उद्देश्य क्या है, यानी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है। ठीक है, और कैसे पता लगेगा कि मैंने पूरा कर लिया, तभी तो एक रिपोर्ट कार्ड बनेगी बच्चे की, तभी तो कंपनी की रिपोर्ट कार्ड बनेगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आता हूं नीचे से, एम्प्लॉय।
यानी लर्निंग ग्रोथ एंड इनोवेशन। इसमें हमें ध्यान रखना है एम्प्लॉय, देखो रिसोर्सेज ऐसे समझना आप, रिसोर्सेज मेरे कौन कौन से हैं, बेसिकली रिसोर्सेज मेरे कौन कौन से हैं, इंटरनल बिजनेस मेरा रिसोर्स है यानी प्लांट मशीनरी बिल्डिंग ये रिसोर्स है, और एम्प्लॉय तो जो प्लांट है बिल्डिंग है ठीक है मशीनें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कहलाता है हमारा कौन सा, ये कहलाता है इंटरनल बिजनेस परस्पेक्टिव ओके। और जो एम्प्लॉयज हैं काम करने वाले कोर, वो कहलाते हैं हमारे लर्निंग ग्रोथ इनोवेशन। तो अगर इनको मैं ठीक करूंगा, इनको अगर मैं ठीक करूंगा तो कस्टमर अपने आप सेटिस्फाइड होगा राइट। तो इसका मतलब मैंने कह दिया एक्टिविटी इंटरनल बिजनेस को यानी रिसोर्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा लर्निंग ग्रोथ यानी एम्प्लॉई, इनको अगर मैं सही तरह से रखूंगा अप टू डेट रखूंगा मेंटेन करूंगा तो कस्टमर अपने आप सेटिस्फाई होगा। और जब ये तीनों चीजें ठीक होंगी तो सोचने की बात ही नहीं है, प्रॉफिट तो अपने आप मेंटेन हो आज नहीं तो कल ठीक है। तो अब क्या क्या कवर करना है मुझे ये देखते हैं हम आगे ठीक है। देखो सबसे पहले लर्निंग ग्रोथ एंड इनोवेशन मतलब एम्प्लॉय ओके, यानी अपडेट टेक्नोलॉजी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में आती है, यानी मैं अपने लेबर सुपरवाइजर को कितना अपडेट करता हूं ठीक है, मेरे पास कितनी नई पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करेंगे तो फिर वो नई बात बनेगी ना। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कितना अब कैसे पता चलेगा KPI, यानी कितना अमाउंट आपने करा और सर कुछ खर्च ही नहीं करा तो भाई फिर तो कहने वाली बात नहीं है ना। तो ये स्कोर कार्ड बनेगा, टारगेट कितना मैंने पैसा खर्च किया R&D पर ठीक है, कितना मैंने पैसा खर्च किया है अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पर, तभी तो वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब GST नया आया ठीक है या कोई नई अमेंडमेंट आई बिल्कुल ही, तो हमने हमें देखना पड़ेगा कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने फैकल्टीज की ट्रेनिंग पर ताकि वो अपडेट रहे कितनी कितना अमाउंट खर्च किया है, कितने ट्रेनिंग आवर्स खर्च करे हैं ओके। तो इससे ये पता लगेगा कि एम्प्लॉय की रिटेंशन रेशियो कितनी है, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन कितना है, हम अपने एम्प्लॉय को कितना सेटिस्फाई रखते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की जब जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगी उसको लगेगा हाँ मेरी नॉलेज अपडेट हो रही है मैं बिल्कुल ही करंट अपडेट हूं तो छोड़कर नहीं जाएगा, क्लियर है पार्ट भी। और कई बार क्या होता है कॉस्ट लीडरशिप यानी कॉस्ट कितना खर्च करें हम कंप्यूटर ट्रेनिंग टू स्टाफ, जैसे आप कह सकते हो कि भाई मैनुअल काम हो रहा है तो अब आपने ERP लगा दिया है, तो आपने कितने एम्प्लॉयज को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी ताकि वो उसे सिंक्रोनाइज हो पाए ताकि वो उसे एडजस्ट हो पाए। जैसे ऐप बेस्ड बुकिंग का पहले तो आप सेल सेंटर खोल देते हो कि भाई आओ और सामान ले जाओ, अब ऑनलाइन बुकिंग तो ये इनोवेशन में आ गया ठीक है। नए आइडिया कितने फ्लो करे IT सिस्टम कितना है ठीक है, कंप्यूटर ट्रेनिंग टू स्टाफ, तो ये सारा किसमें आएगा आपका लर्निंग ग्रोथ, लर्निंग कर रही है ग्रोथ हो रही है और इनोवेशन ठीक है। ये आता है हमारा किसमें एम्प्लॉयज। अब दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इम्यून सिस्टम क्या है, इंटरनल बिजनेस कहते हैं इसको इंटरनल बिजनेस परस्पेक्टिव ओके। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास प्लांट मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, यानी हम कितने इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं राइट। तो ये आ जाएगा बिजनेस एफिशिएंसी कितनी है, इसमें क्या क्या लिखेंगे प्रोडक्टिविटी, हम अपने रिसोर्स को कितना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कितना है, मतलब इनपुट आता है आउटपुट बनता है, कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो कितना जल्दी हो जाता है। आप देखो ना कस्टमर का ऑर्डर आप देर से प्रोसेस कर रहे हो इसका मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना ठीक है, आपके पास सेफ्टी मेजर होने चाहिए, समझना कि आपके पास एक्सीडेंट कम होने चाहिए फैक्ट्री में, फ्लेक्सिबिलिटी यानी आपके एम्प्लॉय कस्टमर के ऑर्डर कस्टमर की कंप्लेंट को कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं तभी तो ऊपर वाला कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। तो ये इंटरनल बिजनेस कहते हैं हम ओके। प्लांट सेफ्टी कितनी है आपकी यानी एम्प्लॉय के लिए कितना आप सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हो, कितने आप फर्स्ट एड बॉक्स रखते हो, कितना आपने क्या क्या मेजर्स फॉलो किए हुए ठीक है, कितने आप लेबर को टाइम देते हो कि भाई एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ले जाने में कितना टाइम लगता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ना, सपोज ग्राउंड फ्लोर पर कटिंग का काम हो रहा है फर्स्ट फ्लोर पर आपका पैकिंग का काम हो रहा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है तो वो आपके लिए इंटरनल बिजनेस आपका सही नहीं है ठीक है, तो आपका प्रोसेस डिले होगा अननेसेसरी, तो वो प्रोसेस कम से कम ऐसा होना चाहिए कि क्विक रिस्पॉन्स हो ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा इंटरनल बिजनेस में हो गया क्लियर। कस्टमर यानी कस्टमर हमें कैसे देखता है, हाउ डू कस्टमर वी लुक, मतलब कस्टमर हमारे को कैसे देखता है यानी कैसे पता चलेगा कि हम कस्टमर की निगाह में नंबर वन है ठीक है, जीरो डिफेक्ट पॉलिसी होनी चाहिए, कस्टमर लॉयल्टी ठीक है। अभी कैसे पता चलेगा, मतलब हमारा उद्देश्य होना चाहिए कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी समझते हो ना कि ब्रांडेड यानी कस्टमर आंख बंद करके हमारा प्रोडक्ट खरीद ले और दूसरों को भी रेफर करे। कस्टमर लॉयल्टी का मतलब होता है कि हम जो भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं
कस्टमर पसंद। हाँ यार ये कंपनी बढ़िया, आप सोचो ही मत इस बारे में, दैट इज कस्टमर लॉयल्टी। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यानी कस्टमर की चॉइस नंबर वन होनी चाहिए। ठीक है, कैसे पता लगेगा कि हम कस्टमर के नंबर वन चॉइस हैं? टर्न अराउंड टाइम, यानी हम उसका ऑर्डर जल्दी प्रोसेस कर दे। वो हमने उसको बोला था कि भैया डिस्काउंट दे रहे हैं तेरे को, डिस्काउंट वाउचर आइए, ये डिस्काउंट वाउचर आपके रिडीम कर दे। अब कह तो दिया 15 दिन में, फिर हमने 15 दिन के बाद कह दिया नहीं नहीं ये 1 महीने के बाद और रिडीम होगा, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा। यानी जो कहा है वादा उसको पूरा करना है। ठीक है, ऑन टाइम भाई कस्टमर का सेटिस्फेक्शन दो बताई थी, ऑन टाइम डिलीवरी क्वालिटी। ठीक है, अब ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब जितना उसने बोला था कि 10 दिन में 5 दिन में, आप 5 दिन में उसको डिलीवर कर दो। ठीक है, डिफेक्टिव कम होने चाहिए, कस्टमर की कंप्लेंट कम होनी चाहिए भाई, रिप्लेसमेंट टाइम कम होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? कस्टमर पहले 10 थे 12 हो गए, पहले 10,000 थे 12,000 हो गए, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़े, कस्टमर रिटेंशन रेशियो बढ़े हमारी, यही तो होगा, कस्टमर की कंप्लेंट कम हो। ठीक है, कस्टमर का फीडबैक हमारे पास अच्छा है। ओके, तो ये सारा कहलाएगा कस्टमर पर्सपेक्टिव में। क्लियर हो गया पार्ट बेटा? अब अगर ये सारी चीजें होंगी ऑटोमेटिकली, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो फाइनेंशियल में ऑब्जेक्टिव क्या है? सीएसएफ का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, यानी मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी, यानी जिस कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज्यादा अच्छा हो, जीपी रेशियो सबसे ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चेक करो, ग्रोथ उसकी चेक करो, ठीक है, आरओआई चेक करो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करो, जीपी रेशियो चेक करो, ऑपरेटिंग रेशियो चेक करो, और हर लोन में अलग अलग रेट उसका कितना है, तो इससे पता लग जाएगा कि वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर इंटरनल और लर्निंग ग्रोथ। क्लियर बात? तो हम एक बार फटाफट समझे, लर्निंग ग्रोथ इनोवेटिव एम्प्लॉय कहलाता है हमारा, और इंटरनल बिजनेस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। अगर मैं ये एक्टिविटी कह दिया मैंने इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को ठीक रखूंगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर मेरे सेटिस्फाइड रहेंगे, और जब कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे तो फाइनेंशियल अपने आप सही रहेगा। क्लियर पार्ट भी? तो हम एक बार सबसे लास्ट में देखें क्या कहना चाह रहे हैं हम, सबसे लास्ट में लर्निंग ग्रोथ यानी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग कितना दे रहे हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग कितना दे रहे हैं हम उनको, तो ये कैसे पता लगेगा कि भाई एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, यानी उनकी टर्नओवर कम होगी। ठीक है, नंबर ऑफ न्यू व्हीकल्स लॉन्च यानी इनोवेशन कितना है, न्यू फीचर्स। ठीक है, हमने आरएनडी पर कितना पैसा खर्च करा है, हमने अपने एम्प्लॉयज को कितनी ट्रेनिंग दी है ताकि वो अपडेट रहे। क्लियर पार्ट भी? और इनोवेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जैसे बैंक है एक नया लोन दे रहे हैं, तो पता है कि भैया इंश्योरेंस नहीं लेते, तो भैया आपको लोन तभी मिलेगा जब इंश्योरेंस आप लोगे, नए आइडियाज फॉलो करो। ठीक है, तो ये सारा किसमें आएगा, इनोवेशंस यानी एम्प्लॉयज। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंटरनल बिजनेस, मेरा इंटरनल बिजनेस कितना सीमलेस है। ठीक है, ये कैसे कहेंगे हम, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे रिसोर्स कितने यूटिलाइजेशन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कितना है हमारा, हम लेबर में क्या देख रहे हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में टाइम कितना लग रहा है, कितने फ्लेक्सिबल है मेरे लेबर। ओके, तो ये सारा हमने नए कितने सेल सेंटर खोले, जितने ज्यादा नए सेल सेंटर खोलोगे, ध्यान से सुनना, जितने ज्यादा सेल सेंटर नए खोलोगे इसका मतलब ये होगा उतने कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। नए सेल सेंटर तभी खोल पाओगे जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे, तो ये कहेंगे न्यू सेल सेंटर। क्लियर बात बेटा? राइट, तो ये कहलाएगा हमारा इंटरनल बिजनेस। राइट, नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इंटरनल फैसिलिटीज हम कितना दे रहे हैं अपने स्टूडेंट को। ठीक है, क्लियर हो गया बट? चलिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में क्या कहेंगे हम कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, यानी हम कस्टमर की चॉइस बने नंबर वन, कस्टमर लॉयल्टी बने। कैसे पता चलेगा अब ये? तो यानी हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, दूसरा डिलीवरी टाइम कम से कम हो, ऑन टाइम डिलीवरी हो यानी। ठीक है, वारंटी लोन्स मतलब वारंटी रिपेयर्स, ये लोन वारंटी रिपेयर्स है। ठीक है, इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन रेशियो, कस्टमर हमारे पास ठीक है रहे, उनका प्रोसेसिंग टाइम कम हो, टर्न अराउंड टाइम ज्यादा, उनकी कंप्लेंट जल्दी हैंडल हो। ठीक है, डिस्काउंट वाउचर जो हमने दे दिया उनका वो रिडीम कर पाए टाइम से। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ जाए। ठीक है, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, आरओआई और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया पार्ट क्लियर। चलिए अब इस पर आते हैं हम आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट शुरू करते हैं बेंचमार्किंग। ठीक है, बेंचमार्किंग का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, जब हम अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट होता है कि जो सबसे बढ़िया होता है उससे कंपेयर करते हैं। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो आपका टारगेट है रैंक लाना, तो आप क्या करते हो,
कि जो रैंक होल्डर है उससे बात करते हो कि भैया तुमने स्टडी कैसे करी, तुमने कहां से कोचिंग ली, तुमने कहां से कौन कौन से नोट से पढ़ाई करी, तो कहीं ना कहीं आप उसको फॉलो करके उसी के तरीके से करना चाहते हो, ठीक है, और अपने आप जो कर रहे हो कंपेयर करते हो, फिर जो डिफरेंस होता है आप उसको नोट डाउन करके उसको इंप्रूव करते हो, यही बेंचमार्किंग है। तो कंपनी में क्या करते हैं हम, मार्केट का जो लीडर है वर्ल्ड बेस्ट क्लास कंपनी, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन है, फिर अंडरस्टैंड उसको समझते हैं और फिर उसको अडॉप्ट करते हैं उसकी बेस्ट प्रैक्टिस को, ठीक है, यानी कंपैरिजन ऑफ आवर प्रोडक्ट प्रोसेस और एक्टिविटी विद द वर्ल्ड बेस्ट क्लास कंपनी सो दैट वी कैन कंपेयर आवर प्रोडक्ट एक्टिविटी एंड प्रोसेस विद देम एंड डेविएशंस कैन बी नोट डाउन और एंड देन इंप्रूव देम ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, ये कहलाता है हमारा बेंचमार्किंग, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से आते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है जब एक डिवीजन कंपनी के जो बेस्ट डिवीजन है उसको उससे कंपेयर करता है और उसकी सारी एक्टिविटीज को प्रोसेस को सब मेथड्स को नोट डाउन करके अपने में कंपेयर करके डेविएशंस को नोट डाउन करके इंप्रूव करता है, ये कहलाता है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपेरिजन करती है यानी विद इन द इंडस्ट्री, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। क्लियर पार्ट बेटा, और ये हमेशा ध्यान रखना कंपैरिजन कंटीन्यूअस बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम क्या चाहते हैं सब, मतलब हम चाहते हैं अधिक से अधिक पैसा कमाना, ठीक है, तो केवल फॉलोअप से काम नहीं चलेगा, हमें जीतना पड़ेगा, हमें दूसरे से आगे जाना पड़ेगा, यानी हमें अपने आप को सेटिस्फाई नहीं रखना है तभी हम आगे जा पाएंगे, नहीं भी मतलब हमें देखना है जो मार्केट लीडर है वो जो कोई वन डे स्टार नहीं बनता, ओवरनाइट स्टार कोई भी नहीं बनता है, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मार्केट लीडर है ना उसने हम जिस प्रॉब्लम से आज गुजर रहे हैं उसने उस प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया होगा, उससे बाहर कैसे आया होगा, तो हमें भी उसी तरीके को फॉलो करके अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आना है, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा बेसिकली बेंचमार्किंग। तो सबसे पहली बात ये देखते हैं कि सेम इंडस्ट्री होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए, मतलब अगर हमारी मान लो शू मैन्युफैक्चरिंग है तो दूसरे की भी शू मैन्युफैक्चरिंग हो, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है तो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, ये नहीं हो कि हम हमारी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के डाटा से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री। क्लियर पार्ट भाई, तो हमें ये देखना है कि हमारे जाने, ठीक है, और कंटिन्यूअस बेसिस पर हम उसको इंप्लीमेंट करें, यानी जो हमारा गैप है परफॉर्मेंस का हम उस गैप को खत्म करें, ये हमारा बेसिकली पर्पस होना चाहिए। क्लियर पार्ट बेटा, जैसे हम ये कह सकते हैं कि दूसरी कंपनी है वर्ल्ड बेस्ट क्लास कंपनी, वो अपना प्रोडक्ट सेल कैसे करते हैं, मतलब वो तो एक बार ही कॉल करते हैं और कस्टमर परचेज कर लेता है, हम 50 बार कस्टमर को कॉल करते हैं तो भी नहीं खरीद पाता, तो इस तरह उनके एक कॉल से ही कस्टमर कैसे खरीद लेता है, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उनके की पॉइंट्स है, तो हमें ये नोट डाउन करने हैं। हम होम डिलीवरी देने को तैयार होते हैं पर उनके यहाँ कस्टमर वहां पर आके लेने को भी तैयार हो जाता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका प्रोसेसिंग ऑर्डर सिस्टम कैसा है, उनकी सेल स्ट्रेटेजी कैसी है। क्लियर पार्ट भी, उसको हमें नोट डाउन करके फॉलो करना होगा। तो ये तो हो गया बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब आगे जाते हैं कि प्रीरिक्विजिट, आगे चलते हैं हम प्रीरिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव बेंचमार्किंग, ठीक है, मतलब बेंचमार्किंग के लिए क्या क्या हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले है, सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि लीडरशिप कमिटमेंट, ठीक है, लीडरशिप कमिटमेंट का मतलब आप कंपेयर तो कर लोगे, जब आप कंपेयर कर लोगे तो उसके मतलब एक्चुअल फाइंडिंग भी नोट डाउन कर लोगे तो चैलेंजेस आएगा कि आप उसको अडॉप्ट कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपने समझ लिया कि वो अपना ऑर्डर कैसे प्रोसेस करने हैं और किस तरीके को फॉलो कर रहे हैं, यानी उनका प्रोसेस क्या है, बट आप उसको बस समझ के रख दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है, समझ गए, मतलब हमने एक रैंक होल्डर से बात कर ली कि उसने वहां से कोचिंग ली थी, बस हमने समझ लिया पर हम वहां पर हम कमिटमेंट ही नहीं है, हम अपने आप सोच ही नहीं रहे कि हम उस तरीके को फॉलो करें तो फिर बेकार हो जाएगा। यानी लीडर्स का कमिट होना जरूरी है कि हाँ जो मेथड वो फॉलो कर रहे हैं हम कमिट हो जाएं, हम एक तरह से मतलब हम उसको फॉलो करें, ठीक है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर लो लेवल मैनेजमेंट तक इस बात के लिए तैयार हो कि जो भी डेविएशंस आएंगे कंपैरिजन में जो एक्चुअल फाइंडिंग आएंगी हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है,
सेकंड होता है कल्चर एक्सपीरियंस, मतलब हम ऐसे इंसान अगर हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या जहां हम हैं वो सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो बेंचमार्किंग का फिर कोई फायदा नहीं होगा, हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। हमारे अंदर पैशन होना चाहिए, तो उस पैशन को क्या बोलते हैं हम, कल्चर। ठीक है, तो हम ये कहते हैं पीपल शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद देयर प्रेजेंट स्टेटस क्यू। ठीक है, वो हमारे कल्चर में आ जाना चाहिए कि हाँ हमें ऊंचा उठना है, तो हमारा पैशन होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहते हैं कि शुड नॉट टॉप लेवल ओनली, मतलब कमिटमेंट केवल टॉप लेवल से नहीं होनी चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स को समझना चाहिए, शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर को, क्रेडिटर्स को, वेंडर को, मतलब एम्प्लॉइज को, हर लेवल पर इनको समझना चाहिए कि भी जो भी फाइंडिंग्स आ रही हैं दैट शुड बी अडॉप्टेड। तो इसके लिए भले ही हमें स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़े, ठीक है, तो कोऑपरेशन विद स्टाफ भी हमारे लिए जरूरी है। ओके, आगे आता है हमारे पास पार्टनर्स बेंचमार्किंग, मतलब हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं, हम जिस कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे अकेले सोचने से नहीं होगा, मतलब हम जिस कंपनी से कंपेयर करें हमारे को उसका कोऑपरेशन भी चाहिए, नहीं तो हमारे पास डाटा शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंजिंग आता है कि सर एक बात बताओ, पार्टनर्स क्यों हमारे को डाटा देगा, नहीं कंपिटिटर है तो वो हमें डाटा क्यों देगा। तो यहां पर एक बात आती है कि कोई भी आइसोलेटेड होकर सक्सेस नहीं हो सकता, मतलब विलिंगनेस टू ज्वाइन पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, एक हमने इस कॉन्सेप्ट देखा है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का। ठीक है, अब जैसे हम एक ग्रुप होता है, अब जैसे हम बात करें बैंकिंग में, तो अगर कोई भी कस्टमर ने, मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि किसी भी कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड बनवाया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, उसने मान लो पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया, और फिर वो डिफॉल्टर हो गया। अब वो अगर सिटी बैंक या दूसरे बैंक में जाता है तो नए सिरे से जाएगा, है ना, और मान लो वो बैंक भी दे देता है कि भाई हाँ ठीक है इसकी रिटर्न अच्छी है दे दो, पर उसको ये नहीं पता कि वो डिफॉल्टर है, तो उस बैंक को भी लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सभी बैंक एक कार्टेल बना लेते हैं, नहीं सिविल बना लेते हैं कि भाई उस ग्रुप में एक उस कस्टमर की सारी डिटेल डाल देते हैं। अब अगर वो कस्टमर दूसरे बैंक से लोन लेने जाता है तो दूसरा बैंक पहले सिविल चेक करता है, यानी ग्रुप की इंफॉर्मेशन चेक करता है कि इसने किसी और बैंक से लोन तो नहीं लिया हुआ, लिया हुआ तो वहां डिफॉल्टर तो नहीं है तो हम इसको नहीं देंगे। तो ये बोलते हैं कैसे यूनिफॉर्म मेथड, यानी विलिंगनेस टू ज्वाइन, यानी मेरे पार्टनर भी मुझे सहयोग करे, ठीक है, तब इसमें सबका फायदा होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल दो, मान लो ऑयल है, नहीं तो ये एक यूनिटी बना रखी है अरेबियन कंट्री ने, है तो बहुत सस्ता पर सबने रेट बढ़ा रखे हैं, तो इसलिए आपको भी हाई रेट पर मिलता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो आपसे छोटा है वो इन्फॉर्मेशन आपसे क्यों मांगेगा, ये हमारा दुनिया का दस्तूर है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, क्विड प्रो क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास होना चाहिए, बट इसमें आता है सब्जेक्ट टू कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बट जो इन्फॉर्मेशन देंगे दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, तो ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अब आता है, ठीक है, एक है कंटिन्यूस प्रोसेस, ये आपको जरा समझा दूं। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एवरीवन वांट्स टू बिकम द मार्केट लीडर, ध्यान सुना, और ये एक बार प्रोसेस नहीं है, इट्स नॉट ए वन टाइम प्रोग्राम, इट्स ए कंटिन्यूस बेसिस, मतलब हर व्यक्ति मार्केट लीडर बनना चाहता है, ध्यान सुना, एक्स है वाई है, एक्स कंपनी में हमारा प्रॉफिट है, एक्स कंपनी का प्रॉफिट है 100 रुपए, वाई कंपनी का प्रॉफिट भी है 100 रुपए, दोनों प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मान लो एक्स कंपनी में जो कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है सपोज वो हमारी कम है, ध्यान दो ना, और वाई में ज्यादा है। ठीक है, दूसरा डिलीवरी कॉस्ट एक्स में ज्यादा, तो आप क्या कहो, एक्स में कस्टमर प्रोसेसिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो एक्स मार्केट लीडर बनेगा वाई के लिए। ठीक है, अब वाई में क्या है, डिलीवरी कॉस्ट कम है तो वाई मार्केट लीडर बनेगा एक्स के लिए, तो क्या करेंगे दोनों आपस में डाटा शेयरिंग कर लेंगे, यानी एक्स अपना कस्टमर ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग का तरीका वाई को समझा देगा और वाई अपना डिलीवरी कॉस्ट का सिस्टम एक्स को समझा देगा, तो दोनों का प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट, तो ये कहलाता है हमारे तरह से कॉपरेशन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो ये कहलाएगा विलिंगनेस टू शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग पर। ओके, देखिए टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग बिल्कुल सिंपल है, पहला है स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग क्या होती है, ध्यान सुनना, जब हम अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजी को किसी दूसरी कंपनी की स्ट्रेटेजी से कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है तो उसको फॉलो करते हो अपनी कंपनी में, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। यहां ध्यान रहे कि हम जरूरी नहीं है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है
तो जरूरी नहीं है दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की स्ट्रेटेजी फॉलो करें, जरूरी नहीं है। मतलब इंडस्ट्री का सेम होना यह अति आवश्यक नहीं है। हम कोई भी कंपनी है, शू मेकिंग है, क्लोथ है, उसकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि प्रोसेस को नहीं करना मैं कंपेयर, मतलब वो कैसे अपना प्रोडक्ट नए मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके को फॉलो कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस क्या है, तो यहां पर हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। यहां पर हम ये कहेंगे कि सर इंडस्ट्री का सेम होना जरूरी नहीं है, शू मेकिंग वाली कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक की स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर सकती है और सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनी शू मेकिंग वाली को भी के स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर सकती है, राइट भाई। दूसरा आता है हमारे पास कॉम्पिटिटिव, दूसरा आता है कॉम्पिटिटिव, हाँ ये कहेंगे हमारे पास सेम सेक्टर की होनी चाहिए, यानी एक कंपिटिटर का मतलब आर्म लेंथ, मतलब कि मेरी कंपनी कौन से एरिया में काम कर रही है, कार कंपनी है, कार इंडस्ट्री है, तो एक कार इंडस्ट्री में एक कार कंपनी दूसरी कार कंपनी के ही प्रोसेस को, प्रोडक्ट को, एक्टिविटी को कंपेयर करेगी, यानी कंपटीशन। अब ये भी नहीं है कि हमारी नेटवर्थ मान लो 100 करोड़ है और दूसरी कंपनी की 50,000 करोड़ है, तो फिर सर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो यहां दो बातें हैं कि बेस आपका सेम होना चाहिए, यानी आर्म लेंथ कंपटीटर होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, क्लियर पर भी। और दूसरा एरिया सेम हो, यानी सेम इंडस्ट्री हो, मतलब जैसे हम कंपेयर करें तो हम IIT के रैंक होल्डर से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहां पर करेंगे किससे, CA के रैंक होल्डर से कंपैरिजन, क्लियर पार्ट भी। तीसरा आता है हमारे पास इंटरनल, ये बता दिया कि अगर एक डिवीजन दूसरे डिवीजन के प्रोसेस को कंपेयर करेगा, अच्छा प्रोसेस बेंचमार्किंग, इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी अपना प्रोडक्ट कैसे प्रोसेस करते हैं, कहां से किस वेंडर से सामान लेते हैं, इनपुट को आउटपुट पे कन्वर्ट कैसे करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस लगाते हैं, वो कौन सा फॉलो करते हैं, हमारा जो मार्केट लीडर है, यानी हम उस प्रोसेस को फॉलो करें कि वो मतलब मटेरियल परचेस करने में जस्ट इन टाइम फॉलो कर रहे हैं और कौन से मटेरियल के लिए जस्ट इन फॉलो कर रहे हैं, हम भी उस तरीके को फॉलो करें, यानी हाउ प्रोसेस्ड, मतलब व्हाट द प्रोसेस दे आर फॉलोइंग, वी शुड अडॉप्ट सच प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनल का मतलब एक कंपनी में एक डिवीजन जब दूसरे डिवीजन से कंपेयर करता है तो वो कहलाता है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब विद इन द इंडस्ट्री एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपेयर करती है तो वो कहलाता है एक्सटर्नल। इंटरनेशनल बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि एक कंपनी इंडिया में है, दूसरी कंपनी US में है, ठीक है, तो जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है इंटरनेशनल बेंचमार्किंग। ओके चलिए, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे बेंचमार्किंग करते समय, ठीक है, सबसे पहला कि शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एक्सचेंज, बी विलिंगनेस टू गिव व्हाट यू गेट, क्विड प्रो क्यू, मतलब हम लेना चाहते हैं तो देना भी चाहें, मतलब ये नहीं हो कि हम लेने के लिए तो हाथ फैला रहे हैं तो देने वाला हाथ हमेशा पीछे रहे, नहीं, देने वाला हाथ भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। बी विलिंगनेस टू गिव व्हाट यू वांट टू गेट, ठीक है, ये नहीं कि भी आप उससे ले लो भाई, तू हमें देता रहे, जब हमारे देने की बारी आए तो आप नानुकुर करो, वो नहीं, ठीक है। रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशली, यानी जो डाटा आपको मिले वो सबको नहीं बताना है, मान लो आपने उसका प्रोसेस समझ लिया कि भैया वो किस किस वेंडर से सामान ले रहा है, वो वेंडर क्वालिटेटिव और कम प्राइस पर अच्छा सामान देता है, अब ये नहीं है कि आप उस वेंडर की सारी डिटेल उससे लेकर, क्योंकि आपने भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया उसको, बट उस वेंडर से आप फिर मैनिपुलेट कर लो कि भैया हम तुझे ज्यादा रेट पर देंगे और उसको सामान मत दे, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप वो जो डाटा आपको दे रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो कॉन्फिडेंशियली, ठीक है, मतलब एक तरह से रिलेशन प्यार वाला होना चाहिए, ये नहीं है कि वो हाथ मिला रहा है तो उसका हाथ पकड़ के हाँ चलो, ये नहीं, ठीक है। नेवर यूज द इंफॉर्मेशन टू हार्म द बेंचमार्किंग पार्टनर, ठीक है, मतलब उसकी कमिटमेंट होना चाहिए आपके पास, ये नहीं होना चाहिए कि आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो उससे उसको नुकसान पहुंचे। डू नॉट आस्क द अदर पार्टनर टू सेंसिटिव, वो आप कभी भी मत पूछो जो सेंसिटिव डाटा हो, जो कॉन्फिडेंशियल हो, वो आपको नहीं देगा, तो पूछने की मर्यादा को ध्यान में रखो, ये मत पूछो उससे कि जो उसके कॉन्फिडेंशियल है, जो वो नहीं देना चाहता हो, ठीक है। फॉलो थ्रू द कमिटमेंट मेड टू यू बेंचमार्किंग पार्टनर इन टाइमली मैनर, मतलब ये है कि आप जो भी आप उससे कमिट कर रहे हो कमिटमेंट फॉलो करो, हमने उसको ये कह दिया कि ये इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे हो, हम आपको ये इन्फॉर्मेशन 4 दिन में दे देंगे, तो ये नहीं है कि आप 5 दिन लगाओ 10 दिन लगाओ, तो कम से कम समय में आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दो, उसका टाइम वेस्ट मत करो, तो दीज आर द मेन कोड ऑफ कॉन्डक्ट, क्लियर बात बेटा, चलो।